कलेश, क्लीशेस और कटाव। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग घर बैठे करोड़ों कैसे कमा लेते हैं? हर्षद मेहता की स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी। आज हमारे साथ है सिद्धांत, जो कि ट्रेडिंग की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और 18 साल की उम्र से ट्रेडिंग कर रहे हैं और अंधे पैसे छापे हैं इन्होंने। तो आज इनसे बात करके हमें पता चलेगा पैसे कैसे काम करते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और स्कैम्स कैसे होते हैं। आज खुलेंगे बहुत सारे राज। तो बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। तो हेलो सिद्धांत। हेलो। मैं आज इंटिमिडेटेड हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग नहीं आती है, और मैं आज एक ऐसे इंसान के साथ बैठा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग का मास्टर है। तो मैं आज कन्विंस होना चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। एक एक्सपर्ट के साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ और कन्विंस होना चाहता हूँ कि मैं भी ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ। तो लेट्स सी कि मैं कन्विंस होता हूँ कि नहीं। तो शुरू करते हैं कि हु इज ट्रेडिंग विद सिद्धांत, वेल एंड हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ एज अ ट्रेडर। तो शुभम, मैं सच बोलूंगा अबाउट ट्रेडिंग। कन्विंस होना नहीं होना वो आपके ऊपर है। आई विल ट्राई टू टेल यू द ट्रूथ अबाउट ट्रेडिंग, व्हाट्स द रियलिटी अबाउट इट, व्हाट्स द पोटेंशियल, कहाँ आप जा सकते हो उससे। कन्विंस होना नहीं होना वो आपके ऊपर है। सो ट्रेडिंग में सिद्धांत वो इंसान है जो कि बहुत चीज़ों में हाथ मार चुका है। अब इंडिया में अगर इसके बारे में हम सोचेंगे कि यार आपने 50 चीज़ें ट्राई की है, कुछ काम नहीं किया, तो इसको एक फेलियर करार करते हैं। बट अगर आप इसको दुनिया में देखोगे, दीज आर द पीपल जिसने एक्चुअली कुछ उखाड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टीव जॉब्स ले लो, इलॉन मस्क ले लो, जेफ बेजोस ले लो, ये क्या कहते हैं, द फास्टर यू फेल द फास्टर यू सक्सीड। तो उसी प्रिंसिपल से मैं चलता आ रहा हूँ। ट्रेडिंग वॉज वन ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट फेल एट, दैट्स इट। ऐसे मैंने ड्रॉप शिपिंग भी किया है, आई हैव इवन डन ई कॉमर्स, जैसे ड्रॉप शिपिंग का ही पार्ट है, आई हैव डन कॉन्टेंट क्रिएशन, मैंने स्ट्रीट पे जाके पॉडकास्ट खुद भी रिकॉर्ड किए, तो बहुत सारी चीज मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। एंड ट्रेडिंग वॉज वन ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट फेल एट। क्यों? बिकॉज मेरे पर्सनल स्किल्स में आता है लॉजिक, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड पेशेंस। ये तीन चीजें अगर आप में है तो ट्रेडिंग आप कर सकते हो। इतनी सारी स्किल्स के बाद आपने एक बहुत अच्छी जर्नी ट्रेवल की है विद ट्रेडिंग। तो कुछ एक ऐसा इंसिडेंस जो आप कभी नहीं भूल पाओगे अबाउट ट्रेडिंग। वो याद भी नहीं करना चाहता बट बताता हूँ। सो जब पहली बार मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आई वॉज 18। 18 साल की उम्र में आपको पैन कार्ड मिलता है, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। सो आई वॉज इन सिम्बायोसिस इन पुणे। ओके। वहाँ पर मैं कॉलेज पढ़ रहा था, वॉज डूइंग कंप्यूटर साइंस। अब प्रॉब्लम ये थी कि सिंस मैं ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टेड बच्चा था, मुझे काफ़ी चीज़ों में ऑलरेडी इंटरेस्ट था, सो मैंने बहुत चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी थी। कंप्यूटर्स का मुझे पहले से बहुत नॉलेज था, पढ़ता गया एंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड बिल्डिंग माय ओन सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट। जाहिर सी बात है, अपना एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी इतना एडवांस्ड है कि सबको सेम लेवल पर मैच नहीं कर सकते। तो मैं गया कॉलेज में एंड नेचुरली मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इट वॉज वेरी अनॉइंग। लकीली साथ ही साथ मुझे एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं वापस हैदराबाद गया उससे मिलने। वो मुझे कहता है कि ब्रो, मेरे पापा हैं, ही इज लुकिंग फॉर यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हु कैन टेक रिस्क एंड कैन मेक इट बिग इन लाइफ। मैं बोला मैं सारा हूँ यार, करते हैं। तो मैंने किसी तरह पापा से कुछ पैसे लिए। आई स्टार्टेड विद 5 लाख। ओके। दैट वॉज सपोज टू बी माई कॉलेज फी। मैंने स्टार्ट किया उससे। मैंने बोला उसके डैड तो हेल्प कर रहे हैं। हिज डैड वाज लाइक, तुम मेरे बेटे जैसे हो, बहुत हेल्प करो। ठीक है, हेल्प करो। हेल्प के चक्कर में हेल्प तो हुई, उनसे मैंने काफी कुछ सीखा, बिकॉज इट्स द डायरेक्ट एक्सेस दैट आई हैड विद हिम ना, तो काफी कुछ उनसे सीखा। इतना पैसा कमाया एट द एज ऑफ 18। दिसंबर 2015 के टाइम में मेरे पास 3 टाइम खाने के प्रॉपर पैसे नहीं थे। नॉट बिकॉज बहुत गरीब था, बट बिकॉज कभी उड़ गए, रेंट वेंट में चले गए, ऐसा भी है। वो तो खैर हम लोग के पास भी नहीं रहते मंथ एंड में। कॉलेज लाइफ सिंपल, मंथ एंड नहीं थे पैसे। Within a couple of months, मेरे पास इतने पैसा आ गए थे from that capital, I could buy a flat in Pune. Okay. Within the next couple of months, all gone, zero. So that was the phase, इसको मैं कभी याद नहीं करना चाहता। और वो कैसे आया था? So I was trading, मैं उनसे कर रहा था, कैसे कर रहा था? अच्छे से, बहुत अच्छे से grow, very beautiful growth, perfect risk management, सब कुछ perfect चल रहा था। The one mistake that I made was औकात से बड़ा trade लेना। And that is where lot of beginners fail. मतलब अगर मेरे capacity है कि मुझे 500 share में trade करना, that's called a lot. 500 share में trade करना है, मैंने 5000 में कर लिया। Okay. तो उसका profit तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उसका loss handle नहीं कर पाया ना। Things went wrong, उनसे भी relationship थोड़ा खराब हो गया, because
यू गो क्रेजी व्हेन स्टफ लाइक दिस हैपेंस, राइट? तो मैं पागल हो गया था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, उनके साथ ये लॉसेस हुए, आई लॉस्ट सर्टेन मनी. उसके बाद में आ गया कॉल्स एंड टिप्स के फेरे. तो आप नोटिस करोगे, आई डोंट नो इफ यू स्टार्ट ट्रेडिंग येट शुभम, जैसे आप ट्रेडिंग के मार्केट में घुसोगे ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग दीज कॉल्स, भैया हम स्टॉक मार्केट से हैं, हम आपको टिप्स देंगे, आप टिप्स लो, बहुत सारा कमाओगे. बोला यार ऑफ कोर्स मुझे कमाना है, बहुत सारा टिप्स तो देंगे ना. बहुत जेन्युइन बात करते, सर मैं हूं ना, हेल्प करूंगा. तो बेसिकली उसने क्या किया, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, हर बॉल पे छक्का मारना कितना कितनी स्टुपिडिटी चीज है, वैसे ही ट्रेडिंग में अगर आप बिगिनर हो या फिर एक सर्टेन कैपिटल से कर रहे हो, तो पूरा का पूरा कैपिटल रिस्क करना बहुत स्टूपिड चीज है. और वो ऐसे चीज पे जो कि एक्सट्रीमली रिस्की है. मतलब अगर शोएब अख्तर डाल रहा है, फुल टॉस डाल रहा है, आप छक्के नहीं मार सकते. वैसे एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है एक्सट्रीमली हार्ड. उसमें करा दिया, ऑल मनी गॉन, आई हैड नथिंग लेफ्ट. मुझे लगा अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा भाई, कॉलेज का फीस खत्म, एवरीथिंग इज ओवर. सो वो दिन था, मैंने अपना पूरा बाल वाल एकदम शेव, एक नहीं यार कुछ नहीं हो सकता, मैं कोई मंक बनना पड़ेगा अब तो, घर से मुझे निकालने वाले, हो गया मेरा काम. सो आई थिंक 6-7 साल तक बताया भी नहीं मेरे कैसा हो गया था, मेरे साथ कैसे कैसे उसको रिकवर किया, कभी और इसके बारे में बात करेंगे. बट यार दैट वॉज अ वेरी वेरी बैड टाइम, एंड दैट एक्सपीरियंस टॉट मी वन थिंग, यार ये जगह पैसे कमा सकते हैं लेकिन यहाँ पे उड़ा भी सकते हैं. सो दैट वॉज माई फाउंडेशन, और मुझे वो 18 साल की उम्र में मिल गया था. इट्स बेसिकली द गैम्बल यू हैव टू प्ले. It's not a gamble. वही चीज़ है ना. ये जो loss हुआ, it happened because of my mistake. वो मुझे आज पता चल रहा है कि mistake था. उस दिन तो of course मुझे लगा कि ये stupidity है. यार ये गलत हो गया मेरे साथ. But lot of people in our generation take it as a gamble कि इतने पैसे लगा देते हैं, double हो ही जाएंगे. वो 21 दिन में double वाली scheme चालू है. 21 दिन में double हो सकता है. 21 दिन नहीं, 21 second में double हो सकता है. बट वो 21 सेकंड के लिए आपको 21 साल मेहनत करना पड़ सकता है. दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये स्किल्स बिल्ड करने में मेरे साथ ये शुरुआत में जो झटका हो गया, इट टॉट मी टू थिंग्स. गलतियां क्या होती हैं स्टॉक मार्केट में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पॉसिबल है कमाना. ब्रो फ्रॉम नथिंग टू हैविंग इनफ मनी टू ओन अ फ्लैट इन पुणे. अगर मेरा मेंटल कंट्रोल रहता, इट्स अबाउट माइंड कंट्रोल ना, आई कुड हैव विथड्रॉन दैट मनी. आई डिडंट. वो गलती थी. द मिस्टेक वॉज नॉट द ट्रेड, द मिस्टेक वॉज नॉट विथड्रॉइंग. जो सही स्टेप्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो स्टेप्स नहीं फॉलो करना पॉसिबल तो बहुत कुछ है. अभी रिसेंटली कल एक स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में 260% ऑफ प्रॉफिट लाइव. सो इट्स एक्चुअली पॉसिबल इन द मार्केट, बट वहां तक पहुंचने के लिए टाइम. इट इज नॉट लेवल 1, इट्स लेवल 10. फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट. तो साइकोलॉजी कैसे बिल्ड किए जाए कि आपको लॉस या विन से उतना फर्क नहीं पड़े. देखो मुझे तो ठोकर लगा. सो सबको लगता है, यू मस्ट हैव हैड सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. गर्लफ्रेंड का इश्यूज हो सकता है, इट कुड बी फाइनेंशियल इश्यूज. कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको कुछ ना कुछ अटैक नहीं मिला दुनिया से. साइकोलॉजी बिल्ड करने का तरीका एक ही है. जब आपको अटैक मिलता है, यू हैव टू चॉइसेस, यू गिव इन और यू मूव ऑन. क्योंकि दुनिया एक ही डायरेक्शन में चलेगी, आपका माइंडसेट उसमें क्या है वो मैटर. Are you moving forward? If yes, your psychology starts building. क्यों? Because आप अपने ब्रेन को ये बताने लग जाते हो कि I can move forward. ठीक है? First time अगर आप weight lifting करोगे बहुत दर्द होता है. Second time थोड़ा कम होता है. एक साल के बाद दर्द खत्म हो जाता है. ऐसा क्यों? Your muscle gets used to the pain. It starts getting stronger. Same with your psychology, same with your willpower. अब उसको तोड़ो थोड़ा. तोड़ना पड़ेगा. लोग टूटने से डरते हैं. People don't want to get hurt. बट हर इंसान ठोकर खा के नहीं सीखना चाहता. वही बात है. और कोई तरीका ही नहीं है. नेचर ऐसा डिजाइन है. अगर इसमें प्रॉब्लम है, अब जाओ मंदिर, मस्जिद, चर्च, वहां जाके कंप्लेन कर सकते हो. कंप्लेन बॉक्स रहता है, वहां जाके बता दो उनको कि सर ये क्या बना दिया आपने, मुझे बिना ठोकर के सीखना है. पॉसिबल ही नहीं है. यू कांट. ऐसा कोई इंसान नहीं जो कि एकदम अमेजिंग ड्राइवर है, उसने कार कभी ठोकी नहीं है. नहीं है. कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो कभी आउट नहीं हुआ. कौन है? दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. क्या आप दूसरों की मिस्टेक से सीख सकते हो? आप क्या Because I don't think यहाँ पे कोई सामने वाले का वीडियो देख के आपका वेट बन जाएगा, मसल बन जाएगा. नहीं. That's how it is. You have to face that. Okay. आपको it's not about just learning from the mistake or learning certain concepts. It's about becoming the person जो कि ये गलतियाँ नहीं करता. It's about being that man. जैसे millionaire बनने का reward is not being a millionaire. The reward is the person you become while becoming a millionaire. आपको इसमें जो मशक्कत लगती है, जो मेहनत लगती है, जो discipline लगता है, that is the reward.
और डिसिप्लिन ही तो सीखना है और ट्रेडिंग वही चीज है, अगर आप एक बार डिसिप्लिन सीख गए हर चीज में, सो फॉर दैट यू नीड टू वेक अप ऑन टाइम, यू नीड टू मार्क द लेवल्स ऑन योर चार्ट, इट्स अ प्रॉपर मिलिट्री लाइफस्टाइल, इनिशियली तो लगता ही है ना उतना डिसिप्लिन, अगर वो आप सीख गए, इमेजिन कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, जो सुबह उठ के परफेक्ट रिदम में परफेक्टली काम कर रहा है, इवन विद योर कटाक्स पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल, एकदम टाइम टू टाइम सब हो रहा है, एकदम परफेक्ट हो रहा है, जब चाहिए तब अपग्रेड हो रहा है, एकदम परफेक्ट शॉट्स आ रहे हैं, परफेक्ट टाइम पे एडिट हो रहा है, 10x नहीं हो जाएगा सक्सेस ऑब्वियसली, बस गेम वही है, हर चीज में वही चीज है, इट्स जस्ट दैट ट्रेडिंग थोड़ा बदनाम हो चुका है, दैट्स बिकॉज़ पीपल हैव लॉस्ट मनी, इट्स इंस्टेंट रिजल्ट ना, फेलियर बहुत ज्यादा है, फेलियर बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, एग्जैक्टली, और बड़ा भी है थोड़ा, बड़ा आपके ऊपर है ना, अगर वही चीज हम जॉब पे ले लें तो क्या आजकल जॉब्स आसानी से मिल रही है, नहीं मिल रही है, लेकिन हम कंसिडर नहीं कर रहे ना, बता दो, सो वन ऑफ माय कजन स्टडीज इन बिट्स, ओके, बिट्स पिलानी हैदराबाद, बिट्स पिलानी, सब क्या सोचेंगे भाई बिट्स है कितना पैसा मिलेगा, हाईएस्ट पैकेज इज 12 लाख फ्रॉम डेलॉयट, वाओ, हाईएस्ट दिस ईयर, 12 लाख, व्हाट इज 12 लाख, 12 लाख हमारा दो दिन का प्रॉफिट हो जाता है, एंड दैट्स नॉट बोस्ट, दैट्स टेलिंग द पोटेंशियल, एंड दैट्स टेलिंग द अदर साइड, जो इंडस्ट्री डूब रही है, इफ यू वांट वी कैन गेट इनटू द एक्चुअल एस्पेक्ट्स कि ऐसा क्यों हो रहा है, आगे जाकर उसमें जाएंगे, बट दिस इज द रियलिटी, तो ऐसा नहीं कि जॉब सेफ है, जॉब को सेफ करार दिया गया कि आप सर्टन 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 चीजें करो, सर जॉब लगाओ, ऐसे पढ़ो, इतनी मेहनत करो, जॉब लगी सैलरी मिलेगी, सेम चीज विद ट्रेडिंग, ये मेहनत करो, ये करो, ट्रेड करो, पैसा बनेगा, लेकिन उनको ये नहीं करना, जॉब में तो फिक्स पाथ है, टीचर डंडा लेके करता है तो आपको आ जाता है, लेकिन सेम थिंग अगर आपको ट्रेडिंग में करना है, इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेम रिजल्ट्स, तो यंगस्टर्स ये सेल्फ डिसिप्लिन और ये ट्रेडिंग की एजुकेशन कैसे पा सकते हैं, बिकॉज़ आवर एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच अबाउट ऑल दीस थिंग्स, करेक्ट, तो क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, और अगर इंक्लूडेड नहीं है तो इंसान कैसे सीख सकता है इन चीजों के बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यार बचपन में हमें क्या पूछा जाता है, क्या बनना चाहते हो, एस्ट्रोनॉट, फायर फाइटर, पुलिस वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, चलो ठीक है, एंड दीज आर ऑन एवरेज द पीपल दैट अर्न द लीस्ट टुडे, सब बोलेंगे डॉक्टर लॉयर, अरे भाई डॉक्टर लॉयर कौन से लेवल का आपको बनना पड़ेगा टू अर्न एनीथिंग सिग्निफिकेंट, चलो बन भी गए, व्हाट द हेल डज योर लाइफस्टाइल लुक लाइक, यू डोंट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, कुछ चीज के लिए टाइम नहीं है, कैसी जिंदगी है, आई से कि आपको ये बनना है ना, आप तभी बनो अगर आपको दिली इच्छा है, डोंट बिकम बिकॉज समबडी एल्स सेज, और हमको स्कूल से इसी चीज की ट्रेनिंग मिलती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बना था पता है, अंग्रेज आए थे, उनको चाहिए थे फैक्ट्री वर्कर्स जो कि इंग्लिश बात कर सके, फैक्ट्री वर्कर्स कैसे होते हैं, मैं गो टू टॉयलेट, मैं स्टैंड अप, मैं डू दिस, मैं डू दैट, घंटे घंटा, कौन हो तुम यार, व्हाई शुड आई डू दिस, और ये सवाल पूछने पर जवाब भी ढंग का नहीं मांगता, बस है तो करना पड़ेगा, ये कैसा जवाब है, एक बच्चे को अगर आप ये बोल रहे हो कि ये क्यों करना है, बिकॉज मैं कह रही हूँ, क्या माइंडसेट हो जाएगा उसका, कोई खुद के लिए सोच ही नहीं सकता, हाल ही की बात है, सो मैं एक पिक्चर देख के निकला, ठीक है, और उसमें गेट्स होते हैं, मैं गेट से उतरा और पूरी भीड़ राइट जा रही है, मेरे सामने मुझे दिखा कि यार ये गेट तो खुला हुआ है, बस राइट जा रही है भीड़ और वहां गेट बंद है, इट्स अ नॉर्मल एग्जिट जो होता है, वहां जाके बस सब भीड़ ऐसे खड़ी हुई है, यार ये भीड़ क्यों खड़ी हुई है, ये गेट खोला निकल गया सब पीछे आ गए, लाइक वो ब्रेन उनका ऐसे ट्रेंड हो गया है, वो 3 मिनट्स बस वहां वेट करे कि कोई आके खोलेगा, नोबडी इज गोना सेव यू मैन, यू हैव टू सेव योरसेल्फ, ये लकीली हुआ, कौन सी मूवी की बात है, थोड़ा पुराना किस्सा है, एमएस धोनी की बात कर रहा हूं, पुणे में देखा था मैंने, और एमएस धोनी का वाह क्या लीडरशिप है, लाइक चलो, एंड पीपल आर स्टक इन दैट माइंडसेट कि कोई आके हमें एक हैंडआउट दे दे, हैंडआउट कोई नहीं देता, जिंदगी आज ऐसी बन गई और हमें इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है कि भाई तुम ये करो, कोई आके तुमको बचा लेगा, तुमको सुसु जाना है परमिशन लो, तुमको खुद के सोचने सिखाना ही नहीं, तुमको खुद के लिए सोचना सिखाया ही नहीं जाता, योर टॉट इज हाउ टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, हाउ टू थिंक बेस्ड ऑन समबडी एल्सस थिंकिंग, इसी को हम कहते हैं डॉग्मा, और यही चीज आपको लीड करती है टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, और इसमें कोई नेक्स्ट लेवल सक्सेसफुल नहीं होता, ये देखो ना कि अमीर लोग के बच्चे क्या करते हैं, नोटिस करोगे 95% अगर कोई एक्चुअली अमीर घराने से आया है, उसको स्कूल में घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो सबसे ज्यादा छुट्टियां भी लेता है, सबसे ज्यादा बाहर भी जाता है, सबसे चिल भी रहता है, और सबसे ज्यादा फेवर्स भी उसी को मिलते हैं, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, टॉपर हूँ, स्कूल में स्पोर्ट्स भी खेल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं था एक्चुअली, बट एंड ऑफ द डे अगर कुछ फेवर चाहिए उसको मिल रहा है, ये क्या है, क्यों है ये, आई एम डूइंग एग्जैक्टली लाइक बींग टोल्ड,
लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? रीजन इज वेरी सिंपल, दुनिया नहीं, दुनिया ओबीडियंस पे नहीं चलती है, दुनिया चलती है ऐसो पे. और ये एक नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, मनी को एज एन ईविल मत ट्रीट करो, ये हमारा माइंडसेट हो गया है. मनी इज ईविल, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ. अरे अगर मैं लंबा हूं तो क्या करूं, नया चादर लूंगा ना. तो ये माइंडसेट नहीं बताया जा रहा, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये होता है हमारे पास, एक इंग्लिश में चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कैसे करना है वो को नहीं बता रहा. सो अमीर लोग के बच्चे क्या सीख रहे हैं, वो टैक्सेस सीख रहे हैं, टैक्सेस कहाँ बचाना है ये सीख रहे हैं, टैक्सेस कैसे नहीं देना ये सीख रहे हैं, कैसे आपके मनी को एक्सपैंड करना है वो सीख रहे हैं, हाउ टू डील विद मनी ये सीख रहे हैं. मेरे दोस्त के जेब में, मुझे अभी भी याद है, सो वी यूज्ड टू गो आउट, अच्छा दोस्त बन गया था वो, वाज वेरी रिच, और एकदम मतलब मेरे पास लिटरली जेब में 20 रुपए होते थे कभी कभी, ऐसा था, दैट वाज द फैमिली सिचुएशन. और एक बार वो मुझे बाहर लेके गया खाने के लिए, वो बस जेब से 500 लेके उसको दे दिया. ठीक है, ही सेड मी वन थिंग कि ब्रो ऐसे 500 तो होने ही चाहिए जेब में. मैं होने ही चाहिए ब्रो, 500 मुझे सिर्फ बर्थडे पे मिलता है साल में एक बार, व्हाट इज होने ही चाहिए. एंड उस दिन मेरा दिमाग एकदम सनक गया, ये होने ही चाहिए. हाउ डिड दिस गाय रीच दैट स्टेज? क्या पापा ने मेहनत नहीं की? नो, आई वेंट होम, सॉ पापा बहुत मेहनत करते हैं यार, फिर क्या? देन आई रियलाइज मेहनत इज नॉट द आंसर, द आंसर इज पैसा कैसे चलता है. आप ये समझो, और ये चीज स्कूल में सिखानी जरूरी है, हाउ डज मनी वर्क. लेकिन हाउ टू थिंक अबाउट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्सेस भी बाद में आ गया, हाउ टू थिंक अबाउट मनी. वो सिंपल एग्जाम्पल है यार, आप दो घर में इमेजिन कर लो, रिच डैड पुअर डैड, एक बुक का वो कॉन्सेप्ट सोच लो, एक गरीब घर में पैदा हो रहे हो, एक अमीर घर में पैदा हो रहे हो. व्हेन यू बोर्न इन द पुअर फैमिली, ऑल यू आर टोल्ड इज मनी इज इविल, पैसा उतना जरूरत नहीं है. जैसे ही पैसा होता है उनके घर पे प्रॉब्लम्स नहीं होती का, कितना साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है. बन के देखो, नहीं होता. आई हैव बीन रिच एंड आई हैव बीन पुअर एंड आई विल चूज रिच एवरी सिंगल टाइम. ऑब्वियसली बी रिच, दे विल टेल यू हाउ टू थिंक. उसके घर में आपको बात करा जाता कि यार जब आप बाहर जा रहे हो हाउ टू ट्रीट पीपल, इंटरेक्शन से हाउ यू कैन नेटवर्क बेटर, ये सारी चीजें आपको सिखानी है. कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी आपने रिच डैड पुअर डैड की बात की, द ऑथर वेंट ब्रोक रिसेंटली. इज ही रियली ब्रोक? आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट हर्ड द न्यूज़. 1.2 बिलियन इन डेट. इज ही ब्रोक और इज द बैंक ब्रोक? बैंक. अगर वो नहीं चुकाएगा तो प्रॉब्लम किसको का? 1.2 बिलियन डॉलर्स. नंबर 1, आई डोंट बिलीव हिम. नंबर 2, इवन इफ आई डू बिलीव हिम, अगर 1.2 बिलियन का डेट है भाई, he is chill, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या होगा? बैंक ने तो पैसे दे दिए ना. When we are talking about money कैसे चलता है, let's understand this. पैसा जो है ना, let's say I'm putting this 500 नोट here. ये जो नोट है ये रियल है. दिस इज ओनली 3% ऑफ द मनी इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके, रेस्ट ऑफ द all of the money in the world is loan. मतलब 97% जो पैसा है वो सिर्फ कागज पे किसी ने किसी को बोल दिया है इसलिए है. समझ पा रहे हो? उसका इम्पैक्ट समझाऊं? Yes, please. When so much money is loan, loan basically क्या होता है? Loan is basically मैं अपने फ्यूचर से उधार ले रहा हूँ. Now what does that mean? That means मैं आज के लिए फ्यूचर एफर्ट दाव पे रख रहा हूँ. That is how loan is created. अब चलो इसको थोड़ा सा शुरुआत से आपको समझा रहा हूँ. So initially barter system था. ये फोन चाहिए, तुम्हारा फोन दे दो, game over. ठीक है, बकरी चाहिए, बैल दे दो, game over. लेकिन मेरे को एक टमाटर देना है, तुम बैल तो नहीं दे सकते, बैल का टांग काट के नहीं दे सकते. पैसा आया धीरे 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 धीरे, और हुआ गोल्ड था, सिल्वर था. दीज आर प्रेशियस मेटल्स. अब जब मार्केट में प्रेशियस मेटल होता है, देन इट्स प्रेशियस बिकॉज इट्स लिमिटेड और इट इज यूजफुल. 1971-83 तक, पहले तो डॉलर वॉज पैक्ड बाय गोल्ड, कि आप एक डॉलर दो हम इतना गोल्ड देंगे. लेकिन इतना लोन दे दिया और रिसेशन पीरियड जैसा है, रिसेशन मतलब लोगों के पास पैसा नहीं होता, लोग डर जाते हैं. तो दे केप रिटर्निंग द डॉलर, मुझे गोल्ड दे दो भाई. यूएस के पास इतना गोल्ड ही नहीं था. यूएस ने बोला हम गोल्ड नहीं देंगे भैया,
यही है हाउ पावर वर्क्स, यही पैसा कैसे चलता है समझना है. उन्होंने चाहा, ठीक है आज से गोल्ड स्टैंडर्ड बंद, व्हाट विल यू डू, क्या कर सकते हो एक सेकंड में. आज तक तुम क्या सोच रहे थे कि भाई मेरे पास पैसा है हम गोल्ड ले लेंगे, नाउ व्हाट, गवर्नमेंट ने बोल दिया यू आर स्क्रूड. दिस इज द पावर वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज द मैट्रिक्स. उस दिन से क्या हुआ, अंधा पैसा छपने लग गया. कैसे छप रहा है, पैसा चाहिए शुभम लो साइन करके, इट्स जस्ट अ साइन ऑन द पेपर. नाउ यस, फाइनेंस के बहुत दिग्गज बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता. उनसे बस एक सवाल पूछूंगा, एक्सप्लेन टू मी हाउ यूएस इज प्रिंटिंग $33 बिलियन ऑफ डेट एवरी सिंगल डे. $33 बिलियन, दैट्स क्रेजी. 1.2 trillion से भी ऊपर का डेट है अभी यूएस में. And that's going to expand to even more. By 2040, I think 4 trillion तक हो सकता है. Debt, trillion. Is it a joke? कभी तो किसी को चुकाना पड़ेगा ना. बस इससे भी चल रही है दुनिया, चलती जा रही है. कौन रोकेगा इसको? This is the reality of money. आज अडानी जी चाहे तो वह 100 crore का लोन ले लेंगे, कौन रोकेगा उनको? That is how you get rich. Loan is actually a good thing, not a bad thing. And this is the psychology of money we need to understand. तो ऐसे अंधा पैसा प्रिंट हो रहा है बिकॉज वहाँ अदानी जी लोन ले रहे हैं, अदानी जी फैक्ट्री वर्कर्स को पैसे दे रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स अपने बच्चों को दे रहे हैं. दिस इज इकोनॉमी वर्क्स. वो वापस इकोनॉमी में जा रहा है, ये सारा कुछ टैक्स में जा रहा है, सेंट्रल ऑफ मनी बेसिकली. बट प्रिंट तो वहीं से हो रहा है. तो शुभम, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड या इंडिया? इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, अंबानीज एंड अडानीज? नो, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से अच्छा बिजनेसमैन दुनिया में कोई नहीं है. दुनिया में आई थिंक द ओनर ऑफ ब्लैक रॉक गवर्नमेंट से भी ऊपर. ओके, बट गवर्नमेंट हैज पावर. हां, बट ब्लैक रॉक इज द गवर्नमेंट, वो बात अलग है. ब्लैक रॉक इज द गवर्नमेंट एंड ब्लैक रॉक इज एन एंटिटी. ब्लैक रॉक एंड वैनगार्ड आर एंटिटीज, उसको भी आएंगे अपन. दे ओन एवरीथिंग प्रीटी मच. दे प्रिंट अ लोन, उस लोन से जो सैलरी गया उस पे टैक्स, उस लोन से जो चीजें खरीदी उस पे टैक्स, उससे जो प्रोडक्ट बना उस पे टैक्स, प्रोडक्ट जब बिका उस पे टैक्स, वो जो लोन से सैलरी आई उस पे टैक्स, वो सैलरी से आपने कुछ सामान लिया उस पे टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स, एवरीथिंग इज टैक्स्ड. बेसिकली अगर 1 lakh का लोन है तो 50-70 हजार लगभग टैक्स में चले जा रहा है, ऐसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स में. ये होगा ना बिजनेस, ये होना ऐसे रिपीट कस्टमर है उनके बिजनेस के. क्या करने का, उतना कुछ तो नहीं कर रहे. ठीक है, नथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई लव द डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, बट एंड ऑफ द डे अगर मेरे पास 50 crore हैं, why would I not go to a tax-free country? And this is money education. लोगों को यहाँ पे नहीं पता है टैक्सेस कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, प्लस टैक्सेस कैसे बचाने हैं. और लोगों को ये पता है टैक्स चोरी कैसे करना है, लेकिन जिनके पास मनी है उनके पास उनको पता है. एक ही तरीका ना, कैश में कन्वर्ट करो, लेकिन दैट्स नॉट एफिशिएंट ना. इंडिया में भी माइंडसेट ऐसा है कि पतंजलि प्रसाद है. इंडिया का वो माइंडसेट है, पतंजलि प्रसाद है, बीजेपी गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट इज, लेकिन थिंक फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए सोचो. आप बहुत पेट्रियोटिज्म का काम नहीं कर रहे हो टैक्स भर के, उससे ज्यादा पेट्रियोटिक रहेगा कि आप वो पैसा खुद यूज करो एज एन इंडिविजुअल, खुद रोड भर दो. मच स्मार्टर वे, मच मोर एफिशिएंट, वहां से तो गया पैसा. बेटर वो अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है, नॉट इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट. डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट मत करो. कल को आगे वो कुछ बैन कर देगी, क्या कर लोगे? फार्म लॉज अच्छा है, रिपील हो गया ना. तो ये गवर्नमेंट जो है ये भी अपने में बहुत बड़े लेवल पे खेलते हैं. एक एग्जांपल देता हूँ, नेस्ले कंपनी है ओन्ड बाय ब्लैक रॉक. खाली आज जाके देखना गूगल पे, नेस्ले कितने कंपनीज को ओन करती है. नेस्ले इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंग्लोमरेट्स. ये जो इतने सारे ब्रांड्स देख रहे हो ना, जारा, गुची, वर्साचे, 50,000 ब्रांड्स ले लो. व्हाट इफ आई टेल यू ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय अ सिंगल ब्रांड, उसी के अम्ब्रेला के नीचे. क्यों अलग ब्रांड्स बना रहे हैं लोग? दिस इज हाउ मनी वर्क्स. इवन कोका कोला एंड पेप्सी आर अंडर वन अम्ब्रेला. कोका कोला तो बहुत डेंजर कंपनी है ब्रो, बहुत डेंजर कंपनी है. कोका कोला ने लिटरली एक कंट्री के इलेक्शन को खरीदा है. आई थिंक मेक्सिको या कोई तो कंट्री है. सो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वंस एट वन टाइम कोका कोला था. तो व्हाट दे डिड, ही स्टूड इन द इलेक्शन, उसके कैंपेन को पूरा फंड किया, जीत गया, एंड नाउ कोका कोला इज द मोस्ट वाइडली ड्रंक ड्रिंक इन दैट कंट्री. कोका कोला इतना खतरनाक है कि कोका कोला में एक्चुअली कोकेन हुआ करता था एक टाइम. This is how Coca-Cola started. That was the recipe. Actual cocaine था उसमें. Okay. उनको पता था ये खराब है, but फिर भी this is how the company is. क्योंकि Disney देख लो. Coca-Cola बोलते हैं कि recipe उसकी बहुत secretive है. Coca, cocaine. Cocaine. Okay. Started with that. Walt Disney ले लो.
तो ये हुआ ना, जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, वॉल्ट डिज्नी क्या कर रहा है, तुम्हारे ब्रेन्स को परेशान कर रहा है ब्रो, उन बच्चे को सिखा रहा है कि तुम्हारा जेंडर फिक्स्ड नहीं है. व्हाट इज दैट, व्हाई? बट दिस हैज स्टार्टेड इन रीसेंट टाइम्स आई गेस, क्योंकि बहुत टाइम से कर रहा है डिज्नी, बहुत टाइम से कर रहा है. ओके, ये अभी इफेक्ट दिख रहा है. कॉज बहुत पहले आ चुका है. दुनिया कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है. जैसे ये जो लोन बढ़ गया ना, इसका कॉज 1983 में था, इसका कॉज कोविड में था, इसका कॉज 2008 में था, 2008 हाउसिंग क्राइसिस में था. इफेक्ट अभी दिख रहा है. इफेक्ट ये है कि यूएस, यूके के दो तीन सिटीज बैंकरप्ट हो गए. बर्मिंगम जैसा बड़ा सिटी बैंकरप्ट हो गया. यूएस में बहुत सारे रिफ्यूजीज घुस रहे हैं. यूएस में लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है. इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम हाई, लेकिन फिर भी कंट्री स्टैग्नेटेड है. बहुत डेंजरस सिचुएशन है. So all this is going on in the world. Why? Because causes pehle ho chuke hain. And who is winning? Black and Vanguard and government. Power ki baat kare, to kya BlackRock jo entity hai, is it the Illuminati of America? Ya India mein bhi kuch aisa uska effect hai, jis Illuminati ki hum baat karte hain? Dekho, Illuminati jo hai na, hum usko bahut hi अलग सेंस में देखते हैं. वी सी इट एज सम पीपल स्टैंडिंग इन मास्क्स एंड डूइंग हुलुलुलुलु से कुछ तो खून की आरती कर रहे हैं सब. ये सब नहीं करते वो लोग. दे डू वेरी सिंपल थिंग्स. दे आर इवन वर्स. वो पैसों पे खेलते हैं भाई. अगर वो देश का इलेक्शन खरीद सकते हैं तो क्या ही चाहिए. पूरा देश का इलेक्शन खरीद लिया यार. इंडिया का भी खरीद लेंगे, किसको क्या पता चल रहा है. एट दैट लेवल हाउ डू यू नो कि पैसा कहाँ जा रहा है, किसके जेब में आ रहा है. चाइना क्या करता है, यूएस वाले क्या करते हैं. आई टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ यूएस क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी पता है शुभम, तुम वेनेजुएला से तेल नहीं ले सकते. वेनेजुएला में बहुत तेल है. इट इज लिटरली सऊदी से ज्यादा अमीर कंट्री बन सकती है. लेकिन वेनेजुएला का हालत कैसा है पता है, एकदम ऐसा धारावी जाओगे ना, उससे भी खराब है वेनेजुएला का हालत. इतना तेल फिर भी ऐसी हालत कैसे. यूएस ने सैंक्शन लगा दिया कि यहाँ से आप तेल नहीं ले सकते. क्यों? ये इसलिए है बिकॉज अभी जितना भी हमें ट्रेड करना है ना, तेल जितना भी लेना है, वी हैव टू बाय इट इन डॉलर्स. ओके, मतलब अगर इंडिया को भी लेना है, इंडिया को डॉलर्स में. इट्स कॉल्ड द ओपेक का ये कॉन्ट्रैक्ट है. सो एवरी कंट्री नीड्स टू होल्ड डॉलर्स. अब डॉलर्स कौन प्रिंट कर सकता है? एक ही देश. वो एक देश को कौन कंट्रोल करता है? ब्लैक रॉक और अपना वैनगार्ड. कंट्रोल कैसे करता है? हाउ डू वी नो? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज जो बाइडन. डू यू थिंक दैट गाय इज इवन फिट टू बी अ चपरासी? इज हॉरिबल मैन. बंदा चल नहीं सकता. वो खड़े खड़े बच्चों को सूंघने लग जाता है. That's not how a president should be. You've seen these videos. ये क्लिप डालना उसमें कि actually सुन रहा है, उसमें कुछ भी बोल रहा है. नहीं नहीं, actually it has happened, man. ये president नहीं है. He's a puppet. कौन control कर रहा है? That is the Illuminati. और उस level पे ये होता है. Okay. वो क्या कर रहे हैं? वो आपके mindset को control कर रहे हैं. Why? Divide and rule जो इंडिया में हुआ था काफी साल पहले, आज अमेरिका में हो रहा है. Okay. Blacks versus whites, Black Lives Matter. एक लेफ्ट कौन हो गया जो एकदम डेमोक्रेटिक, हमें एकदम फ्रीडम चाहिए, सबके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, सोशलिज्म. सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तुम्हारी एंटिटी. आर यू स्टूपिड मैन? लोग सोशलिज्म को इतना सपोर्ट कर रहे हैं. सोशलिज्म में होगा कि गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगा. यू हैव, यू ओन नथिंग. इमेजिन गवर्नमेंट कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, एवरीथिंग. और अभी एक CDEC लॉन्च कर रहे हैं बोलो. ओके, एज अ कॉम्पिटिशन टू क्रिप्टो. That is basically digital currency. मतलब आपका physical cash नहीं रहेगा, just digital currency tied to your mobile number. अगर आपने कुछ crime कर दिया, they will just ban you from spending CDEC. मतलब आप खाना नहीं ले सकते बाहर, आप travel नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. You are banned from using money. That's how deep the control is planned. Wow. और इतना अगर control आ गया, what will you do? This is the money education I'm talking about. ये सब तो problems है. What can you do? इसी में आता है trading. इसी में आते हैं new age की, जिसमें आता है कटाक्ष. You are building your own source of income, not limited by the confines of societal knowledge. मतलब वो आपको directly job से control नहीं कर सकते. Oh yes, they can ban you from YouTube. Yes, control that data. Try to get as rich as fast as possible. गलत मत करो, don't scam others. लेकिन बहुत सारे तरीके अभी होने के. Trading is one of the best ways to get rich, and that is why I chose trading. क्योंकि यार घर बैठे बैठे एक कैपिटल लगाऊंगा, स्किल सीखूंगा, स्किल मेरे को ऑलरेडी प्रूफ मिल चुका है, एक स्किल सीखूंगा और स्किल से पैसा कमा सकता हूँ घर बैठे बैठे. देन देयर इज ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएशन, बहुत अच्छा स्किल है. एक चीज बताऊं, एंड्रू टेट है एक साइड, एक साइड मास्टर क्लास के कोर्सेज है जिसमें गॉर्डन रैम्सी है, बड़े बड़े लोग सिखाते हैं. गॉर्डन और मास्टर क्लास का एनुअल रेवेन्यू $65 million. एंड्रू टेट का मंथली रेवेन्यू है वो, जस्ट वन सिंगल गाय. So this is a tip for you guys. Personal brand is now bigger than smaller conglomerates.
That's the smarter way to think about it. Become a good personal brand. उस पे काम करो. And how do you become a personal brand? What I'm doing right now? तो अभी तो you guys called me onto this podcast. Yeah. Earlier I had to work on myself. मैंने अपने skills पे काम किए. And skills like what? Trading. जैसे एक चीज चुनो. Become an expert of that. Trading को मैंने इतने साल किया, almost a decade हो चुका है ना. So इतने साल किया कि I know the ins and outs of how that thing works. Share it with the world. Okay. Learn to speak better. Learn to think better. सोचने पे काम करो. लोग सोचते नहीं है. Autopilot. Like I told you, बस door पे आके खड़े हो जाएंगे चार मिनट. Don't be that. Learn to think for yourself. और ये पार्ट लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देगी. यार, what do you mean by think for yourself? What is that? That means कि हर मोमेंट पे जो एक्शंस ले रहे हो, question it. Why am I doing this? आंसर नहीं मिल रहा. Why the f am I doing this? क्यों है ये मेरे माइंड में? ये थॉट क्यों आया? ये डॉगमा क्यों आया? और ये मुश्किल काम. It's hard to get out of this matrix. It's designed that. तुमको बचपन से ऐसे ट्रेन किया जा रहा है. तो उसे निकलना मुश्किल रहेगा ना. अगर तुमको बचपन से ट्रेन किया जा रहा है मेंटली, वेट लिफ्टिंग से हाइट कम हो जाती है. सोचते ना लोग ऐसे. ये है मिथ. वेट लिफ्टिंग से हाइट कम होती है, प्रोटीन से पेट खराब हो जाता है. बुलशिट. इट्स इललॉजिकल. लेकिन ये चीज से निकलना मुश्किल हो जाता है. व्हाई यू आर स्कैर्ड नाउ? वंस यू आर स्कैर्ड, दैट्स व्हेन दे कंट्रोल यू. आई टच अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. दैट्स हाउ रिलीजियंस वर फॉर्मड. ओके. दैट्स व्हाई यू फियर गॉड. दुनिया में अगर मैं तुमको बोल दूं कि ब्रो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, विल यू डाई फॉर इट? नो. बट अगर मैं बोल दूं भाई उसने हनुमान जी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, हिंदुइज्म में अगर अल्लाह के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, जीसस के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, यू विलिंग टू गिव योर लाइफ? यू विलिंग टू गिव योर लाइफ फॉर अ फेथ, फॉर एन अनकन्फर्म्ड आइडिया? अब मैं उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि द पावर ऑफ रिलीजन, द पावर ऑफ हाउ आपके दिमाग में जो थॉट प्लांट किया जाता है, उसका पावर कितना है एक ऐसे चीज के लिए जो कि अनप्रूवन है, बस आपके बिलीफ में है, उसके लिए आप जान देने को रेडी हो. बट मैं आपको यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूँ कि भाई वो डिनाई कर रहा है, वो बोल रहा है अर्थ फ्लैट है, मरोगे उसके लिए? नहीं. फैक्ट्स के लिए कोई नहीं मरता, आइडियाज एंड थॉट्स के लिए मरते हैं. और ये चीज के लिए हमको बचपन से ट्रेन किया है कि तुम्हारा थॉट ऐसा होना चाहिए, यही आइडियाज लाओ. दीज थिंग्स ऑल्सो गिव्स होप आई गेस, क्योंकि कुछ लोगों को चाहिए होती है होप ये चीज करने के लिए. बिकॉज एट अ पॉइंट यू गिव अप, बट देयर इज अ लिटिल होप कि कुछ हो जाएगा, एंड दीज थिंग्स गिव्स पीपल होप. ब्रो आई एम अ ह्यूज बिलीवर. मैं वो नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ ये थॉट से निकलो. ओके. डोंट बी गॉड फियरिंग, बी गॉड लविंग. दैट इज वेयर होप कम्स. व्हेन यू आर गॉड फियरिंग, यू आर नॉट होपिंग. यू आर स्कैर्ड. भगवान प्लीज मैं सही काम करूंगा. भगवान के लिए क्यों करोगे यार? खुद अच्छे इंसान नहीं हो? कुछ करना ही है ना. सो जब इसी में आ जाता है कि जब गिर रहे हो, जब दुनिया तुमको तोड़ रही है, व्हेन यू आर फॉलिंग, दैट्स व्हेन यू लुक अप टू गॉड एंड कम बैक. कोई तो है जो मुझे देख रहा है. दैट इज द प्लेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ. इट्स नॉट दैट यू शुड बी अफ्रेड ऑफ गॉड. अच्छा इंसान बनने के लिए तुमको भगवान की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जस्ट बी गुड बाय योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. You are talking about matrix, कि कैसा इंसान matrix में फंसा रहता है, पैसों के पीछे भागता रहता है. You are following the same path which is told by your parents, your elder generations. So एक इंसान matrix से कैसे निकल सकता है? आप are you out of the matrix? Do you think? Yes. Okay. The answer is God. Actually God. Luckily you asked this question. The answer is really God. You have to have faith. यार I am getting out of this. And then उसके पहले वाला questioning. Question things. Why am I taking this action? मैं जॉब में क्यों जा रहा हूँ? Question it. Start questioning things. लोग question नहीं करते हैं because हमें questioning के marks नहीं मिलते, हमें answer देने के marks मिलते हैं. We have been taught to give bookish answers, not to ask good questions. Indian education system ने हमें सोचना कम. Indian नहीं. Education system. This is the story of the world. बस कुछ ही countries है जो इससे different है. For example, Finland ले लो. वहाँ पे I think fifth grade तक कोई books ही नहीं. No books. और this is the country जो कि हर math olympiad में top करता है. It's not China and India. It's actually Finland the top center. बहुत smart country है. Scandinavian countries की अगर हम बात करेंगे, very smart countries. So you need to start questioning things. ऐसा नहीं कि वो लोग matrix से बाहर है या कुछ. उसमें भी लोग घुस जाते हैं. Because end of the day it is just a singular system of doing things.
आपको सिस्टम से निकलना है तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगी आपकी, क्योंकि जब मैंने ये सब चीजें करना स्टार्ट किया मुझे कॉलेज के ग्रुप से दखलंदाज कर दिया. क्यों? बिकॉज दे आर स्टक. और दखलंदाज ऐसा नहीं कि लात मार के से निकल यहाँ से, जस्ट दैट दे स्टार्ट डिस्टेंसिंग, नहीं यार ये शायद खराब इंसान है, ही इज नॉट फोकस्ड. बट इन रियलिटी नाउ आई रियलाइज आई वॉज वे मोर फोकस्ड. आई वॉज एक्चुअली फोकस्ड, आई नो दैट, इवन देन आई न्यू दैट. इट्स जस्ट दैट वो करेज होना चाहिए आपने. यार कुछ टाइम में अकेला होने वाला हूँ लेकिन उसके बाद दुनिया आपको सराउंड करे, वो करेज चाहिए. वो एक लीप ऑफ फेथ लेना है और लीप ऑफ फेथ, दिस इज व्हाई गॉड कम्स इन. इट ऑल टाइज डाउन टू दैट. क्वेश्चन थिंग्स, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे बहुत अकेला लगेगा. अकेला लगोगे तो लीप लेना ही पड़ेगा. उस लीप में भगवान आता है जिसमें आप बिलीव करते हो, दैट कम्स इन. यूनिवर्स, एनर्जी, यू हैव टू बिलीव इन समथिंग, योर गट, योर डेस्टिनी, कर्म. स्टीव जॉब्स ने कहा था ये. Because if you don't believe in anything, you are just roaming around aimlessly. लेकिन जैसे ही belief और faith आ जाता है, you know there's something protecting you. उस protection के साथ आगे बढ़ते रहो. Look at anybody at the top, you want to see. वो लोग religious बन जाते हैं. Jordan Peterson ले लो, Tate ले लो यार. हाँ. Tates because they are the matrix fighters of the world. Take anybody. यहाँ मोदी जी ले लो, इतना बड़ा राम मंदिर का inauguration किया. Bro, a guy at the age of 70, इतनी देर कैसे खड़े हो सकते हैं? He is not just standing fasted. कुछ तो बात है ना. And I think being a believer makes you humble. Yes. Yes. And being humble is the most important quality of a human being, I guess. Most important. Why would you say that? Because आपके पास पैसा है, आपके पास रुतबा है, आप अपने से नीचे वालों की respect नहीं करोगे, then what is the point of having such money? This is arguable. Humility अच्छी quality है. I agree with you on that. But it's not a necessary trait. It is not necessary. You can be Shah Rukh Khan. Yeah, but he is humble, I guess. He has his way of humility. Ha. You can be Richard Branson. Is he humble? You can be Anil Ambani. Anil Ambani याद है? याद है. So, there were Mukesh Ambani and Anil Ambani. They both got divided parts, Reliance ke. Mukesh Ambani got the boring businesses. Anil Ambani got all the shiny businesses. Telecom, ye wo jo ekdam bright chal rahe the. So Anil Ambani was the show off guy. Anil Ambani agar same trajectory pe aaj jata, you'd be the richest in the world. That is how good Anil Ambani's companies were. He was on every star showcase, har jagah pe Anil Ambani ka hi chehra tha. Lekin kya hua? It was not his humility ya fir anti-humility that got him away. It was his lack of proper planning. तो अगर प्रॉपर प्लान नहीं करोगे, यू गेट टू इन्वॉल्व्ड इन व्हाट यू आर डूइंग एंड यू स्टॉप क्वेश्चनिंग थिंग्स, दैट्स व्हेन यू लूज. ह्यूमिलिटी अच्छा ट्रेट है, लेकिन आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट ट्रेट इज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग. तभी आप ग्रो करते रहोगे. ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है मेरे हिसाब से. ह्यूमिलिटी नहीं होना इट्स गुड टू हैव. आई थिंक यू शुड बी हम्बल, नॉट नेसेसरी टू बी हम्बल इन द वर्ल्ड. ऑब्वियसली इट वोंट अफेक्ट योर लाइफस्टाइल, बट इट वुड मेक समवन्स डे, योर हम्बलनेस. श्योर. Or Anil Ambani, by providing jobs, is also making somebody's day. Yeah. That's also a way to think about it. So humility, theek hai, but agar aapko actually grow karna hai, to pehle growth pe focus karo. Humble ho, it will help you. It will help you in the world. You will feel better, you will sleep better. That's there. Aur Ambani's ki baat kare. Haan. Dhirubhai Ambani ne stock market mein apna craze laya tha. Stock market actually unki wajah se famous hua tha, ki isme invest karna hai. और उन्होंने अपनी वो लेगेसी अपने दोनों बेटों को फॉरवर्ड की. अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी. एंड देयर इज दिस कि मुकेश अंबानी इज एट द टॉप नाउ एंड अनिल अंबानी इज नोवेयर. करेक्ट. तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद अनिल अंबानी, कि उन्होंने ऐसी क्या गलतियां की, ये ऐसे क्या डिसीजंस लिए कि वो आज इस पोजीशन पे हैं? ही स्प्रेड हिमसेल्फ टू थिन. मुकेश अंबानी वेंट द स्लो एंड स्टेडी रेस. वो आराम आराम से बिल्ड करते जा रहे हैं. ज्यादा शो पुट में ज्यादा नहीं घुसना है. एंड इफ यू नोटिस, मुकेश अंबानी अगर आप देखोगे, उनको हर पूजा में जाते हैं, हर इसमें जाते हैं, तो ही इज प्रीटी हम्बल, प्रीटी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड. ही जस्ट हैड द बिलीफ कि यार सामने मेरा भाई इतना कुछ कर रहा है, जेलेसी कैसे नहीं होगी, यार इंसान है. लेकिन इस जेलेसी में भी ही डिडंट गो बियॉन्ड what he needed to do. Plan pe stick rahe apne Jamnagar wagera plant mein as a young guy. He kept going to those plants. Even though he's a rich guy, imagine. He's back then also, I think, was a multi-millionaire to the. Us samay bhi nahi, main subah jaunga, apne plants mein jaunga, plant ki rakhwali karunga, dekhunga, achche se so grow karunga. So boring. Imagine being a multi-millionaire and going to boring petrol plants or something like that.
इतना बोरिंग जॉब है. अनुपम वाज लिविंग अ लैविश लाइफ, लग्जरी, जो लग्जरी कार चाहिए, जो लग्जरी एक्ट्रेसेस चाहिए, एवरीथिंग दैट अ मैन वांट्स, कपड़ा, गाड़ी, लड़की, सब अय्याशी, एवरीथिंग वाज देयर. ये बंदा जलस नहीं हुआ, करता गया अपना काम. एंड दिस इज वेयर ही वेंट राइट. डू यू मैन, तुमको जो सही लग रहा है यहाँ से प्रॉपर वो कर. अय्याशियों के पीछे जाओगे वो कहीं ना कहीं ठुक के वापस आ ही जाता है. I'll give you an example. लोग सोचते हैं रियल वेल्थ कैसे बनता है, उनको पता नहीं है. ये एक फाइनेंस लेसन भी हो जाएगा. सो दो लोग हैं, एक बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर है अमेरिका का और एक नॉर्मल सी स्कूल टीचर है. बेसबॉल प्लेयर आराम से साल का 3 से 5 मिलियन कमाता था, ये स्कूल टीचर $10,000 कैसे तो कमाती थी. तो अगर ये बेसबॉल प्लेयर सही से करता फाइनेंशियल प्लानिंग और अच्छे बिजनेसेस बिल्ड करता, रिकरिंग बिजनेसेस, पैसिव इनकम वाले, तो ही वुड हैव बीन सो रिच. बट ही इज ब्रोक. डैरिल सैंडबर्ग या कुछ उसका नाम है, गूगल कर सकते हैं. ओके, ही कुड, ही हिज नेटवर्थ वाज अराउंड 65-70 मिलियन, ही इज नाउ ब्रोक जीरो. आप सोचो कि 70 मिलियन मतलब आज के डेट में ये 100 करोड़ के ऊपर हो जाएगा. 100 करोड़ में इंसान ब्रोक हो सकता है? को जो व्यूअर्स देख रहा है वो 100 करोड़ का, 1 करोड़ सोचेगा भाई 1 करोड़ हो गया मुझे लाइफ सेट, उसके ईएमआई, उसके ये इंटरेस्ट पे जी लोगे. दिस गाय वेंट ब्रोक. लेकिन जो 10,000 वाली थी, सिंपल मेथोडोलॉजीज, अगर कोई बिगनर देख रहा है, सिंपल थिंग्स, पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, एसआईपी कर दो अपना इंडेक्स फंड में, इजिएस्ट वेज टू इन्वेस्ट योर मनी. सिर्फ ये करके अपना 50% हिस्सा इसमें डाल के यू कैन बिकम फिल्दी रिच. $10,000 सालाना से शी बिकेम, शी हैड $2 मिलियन एट अ रिटायरमेंट 60-65. $2 मिलियन, man, crazy life. Wow. ये difference हो जाता है thinking का. This guy, Mukesh Ambani, this is the thinking he had. आराम से, शांति से मैं करूँगा, जो तरीके हैं पैसों के, I'll understand, I'll study the money, I'll do what it says. Longer growth. Now exponential, ना, कोई रोक सकता है उनको. Whatever he wants is doing. Disrupting the industry. आपने वो टीचर की बात की, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी एज के, 17, 18, 19, 20, क्योंकि नया नया पैसा मिलता है तोड़ने लगते हैं कि भाई 4,000 मिला है, पैसा लगा देंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे. करेक्ट. तो छोटी सी इनकम, छोटी सी बेसिकली 2,000-3,000 रुपये, इस पैसे से एक नॉर्मल यंगस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है या ट्रेड कर सकता है? ट्रेड मत करो इससे. देखो मैं सीधा, क्योंकि एक है एक कि आप 100 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो, शुरू कर सकते हो प्रणव. तो 100 रुपये से स्टार्टिंग, आपको भगवान की जरूरत है ब्रो. देखो 100 रुपये ना, उसका कटोरा लो, मंदिर के बाहर जाओ और भीख मांगो, ज्यादा बेटर आरओआई आएगा. आई एम नॉट इवन किडिंग, बहुत अच्छा आरओआई आएगा. ट्रेडिंग से कुछ नहीं आने वाला. ट्रेडिंग तब किया जाता है जब आपके पास ऑलरेडी पैसा है. ओके, ट्रेडिंग गरीबों के लिए नहीं है, सीधी सी बात है. And there's a very simple reason of for it. अगर तुम्हारे पास और कोई source of income नहीं है, you won't be able to take a loss. और trading is a business. ऐसा कौन सा business है जिसमें बिना loss के काम होता है? And now, if you're not able to take a loss, आप उसको hold नहीं कर पाओगे. Holding वो चीज़ होती है कि आपके पापा अगर invest कर रहे हैं, कोई भी जो भी देख रहा है, अगर आप invest कर रहे हो, तो आपने सुना होगा, डाल दो भूल जाओ, डाल दो भूल जाओ, डाल दो भूल जाओ. इसका क्या मतलब है? You hold, you don't keep checking your account. आप देखते नहीं रहते उसको बार बार कि अकाउंट में क्या हो रहा है, कितना पैसा बन रहा है, कितना ग्रो हो रहा है, अरे नीचे आ गया बेच दे क्या. ये नहीं करना होता. इसी चीज को जो कि आप सालों के टाइम स्केल पे देख रहे हो, इसको मिनटों के टाइम स्केल पे ले आओ. ये सारे इमोशंस आपको एट अ मिनट स्केल कंट्रोल करने होते हैं. एंड दैट इज वेयर ट्रेडिंग बिकम्स चैलेंजिंग. इट्स नॉट द लर्निंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. मैं आपको लिटरली इस पॉडकास्ट में 5 मिनट में सिखा सकता हूँ ट्रेडिंग कैसे करना है, लास्ट में सिखाऊंगा. ओके, बट वो सीखने के बावजूद इट्स द इमोशनल कंट्रोल दैट्स हार्ड. कि आप खुद को कंट्रोल कैसे करते हो? 100 रुपए से करोड़ बनाया जा सकता है, हाँ, लेकिन क्या आप बना सकते हो? घंटा नहीं नहीं बना पाओगे. यू हैव टू बी लकी, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू हैव टू बी स्लीपिंग, तब आप पैसा कमा सकते हो. बिकॉज तभी सपना तभी आएगा ना अच्छा वाला. अदरवाइज पैसे नहीं कमा सकते. कैपिटल, यू नीड टू हैव अ डिसेंट कैपिटल सो दैट यू कैन रिस्क अ सर्टेन कैपिटल. अगर लॉस भी हुआ यू कैन टेक इट. फॉर एग्जांपल अभी मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं. मैं अभी भी, आज कौन सा दिन है, इट्स अ सैटरडे, बट मेरे क्रिप्टो ट्रेड्स चालू. सो ट्रेड्स में भी हाउ एम आई सो रिलैक्स्ड. अगर इसमें कुछ लॉस भी हुआ आई कैन हैंडल इट. लेकिन एक बिगिनर क्या सोचेगा, ट्रेड चल रहा है यार, एक सेकंड ट्रेड देख लेता, एक सेकंड ट्रेड देख लेता. तो वो माइंड सेट नहीं चाहिए. You need to have a mindset कि मैंने ट्रेड लगा दिया है, इसमें या तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. आई एम ओके फॉर बोथ.
अ बेसिकली एक रोबोट दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेड विद दैट माइंडसेट यू आर अ रोबोट दैट्स व्हाट आई वुड से विद द माइंडसेट एक टर्म है ऑप्शनल ट्रेडिंग तो पहले तो ऑप्शनल ट्रेडिंग होती क्या है और क्या इसमें ब्रोकर इन्वॉल्व होता है ब्रोकर यस ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शनल हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग सो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं इसको क्रिकेट के टर्म्स में बताऊं सबसे पहले क्या आता है गली क्रिकेट फिर क्या आता है आप थोड़ा नेट में जाके हो सकता है हार्ड टेनिस बॉल से खेल रहे हो उसके बाद क्या आता है पैड करके खाली बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो फिर सामने अच्छा बॉलर डाल रहा है उस पर खेल रहे हो फिर आप हो सकता है एक स्टेट टूर्नामेंट खेलो फिर हो सकता है रणजी खेलो फिर हो सकता है आईपीएल जाओ फिर हो सकता है इंटरनेशनल जाओ फिर हो सकता है वर्ल्ड कप टीम में जाओ फिर हो सकता है वर्ल्ड कप फाइनल में जाओ फिर हो सकता है फाइनल के लास्ट ओवर में आपको लास्ट बॉल पे छक्का मारना है ऑप्शन इज दैट लेवल ओके इट्स दैट लेवल एक बिगिनर आके करेगा गली क्रिकेट के लेवल पे अगर गली क्रिकेट को लास्ट बॉल पे छक्का मारना है सामने ब्रेटली है वो तो मैं नहीं खेल रहा हूँ ये होता है रियलिटी लेकिन बंदा क्या करेगा कोई बात नहीं ब्रेटली अपन हैंडल कर लेगा क्यों भाई क्योंकि सही में ब्रेटली नहीं डाल रहा लोग ये सोचते कि या तो ठीक है पैसा जाएगा ही ना हम तो हैंडल कर सकते हैं हम बहुत ही स्किल्ड लोग हैं ये मेंटालिटी खराब है क्यों बिकॉज हम सोचते हैं कि यार डिजिटल जा रहा है ना फर्क नहीं पड़ता ये इमेजिन करो कि जितना पैसा डाल रहे हो ना उतना एक इंसान हर रोज घंटी ऐसे नॉक कर रहा है दे दे कैश उतना कैश 4000 कैश तुम्हारे हाथ से जा रहा है सो व्हेन यू आर पुटिंग 4000 रुपीस जैसे कोई नया बंदा आके 4000 रुपए लगाता है ये इमेजिन कर लो 4000 जा चुके हैं इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट 4000 जा चुके हैं देन यू कैन इवन थिंक ऑफ अर्निंग फ्रॉम ऑप्शंस और इसके लिए बहुत स्किल्स लगते हैं जैसे इसमें क्रिकेट में ये लेवल्स बताए ना यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में आता कैसे हाउ डज इट इवन एंटर द स्टॉक मार्केट ये रिलायंस कैसे आ गया अब रिलायंस तो आ गया अब इसके प्राइसेस कैसे मूव करते हैं ठीक है इस पे चार्ट में ये क्या शो हो रहा है इट्स बेसिकली नथिंग बट सप्लाई एंड डिमांड का एक ग्राफ है एक इंसान कहां बाय कर रहा है कहां सेल कर रहा है इट्स जस्ट अ स्टोरी ऑफ दैट तो ऊपर नीचे कैसे हो रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है तो सर्टेन चीजें कैसी बन रही है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इज जस्ट अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स जब पैटर्न रिपीट होता है हम उस रिपीटेबल पैटर्न्स पे एक बेट लगाते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेसिंग में जीत देख रहे हो कि सेबास्टियन जीतते जा रहा है अभी कौन जीत रहा है आई एम नॉट श्योर सो एक सर्टन बंदा जीतते जा रहा है इट्स अ पैटर्न राइट तो उस पर आप एक कैलकुलेटेड बेट लगाते हैं दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज इट्स पोकर जैसे पोकर एक नॉर्मल प्लेयर उसको समझ नहीं आएगा लेकिन अदरवाइज इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज सिमिलरली यहाँ पे अगर आप चार्ट्स देख रहे हो यू एनालाइज द चार्ट्स इट ब्रेक्स समवेयर यू स्टडी दैट यू एंटर देयर अब ये हो गया लेवल 1, 2, 3 इसके ऊपर आता है फ्यूचर्स इसका कहीं ऊपर आता है फ्यूचर्स फ्यूचर्स इज बेसिकली वन लेयर अबाउट दिस यानी एक सर्टेन क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी सर्टेन डेट तक लेना पड़ेगा और सर्टेन कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा उसके ऊपर आता है ऑप्शंस ओके सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन डेट सर्टेन टाइम एंड उसके साथ साथ सर्टेन नंबर वो नंबर तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा दैट इज द लेवल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग सो बिगिनर्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए एक बिगिनर को अगर स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना है यू शुड ओनली गो फॉर इक्विटी ट्रेडिंग बेसिक्स बिगिनर्स को झटके तो लगते रहते हैं yes. झटके स्कैम्स के थ्रू भी लगते हैं और पोंजी स्कीम करके एक चीज है तो कैन यू एक्सप्लेन कि पोंजी स्कीम क्या होती है क्योंकि इससे बहुत लोगों का कटा है बहुत लोग शिकार हुए हैं पोंजी स्कीम यार शुरू में ट्रेडिंग में नहीं होता था ओके ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है बट आई विल टॉक अबाउट इट पोंजी स्कीम इज बेसिकली दैट कि आप आओ 5000 दो अपने नीचे और दो लोग लगाओ उससे तुमको आएगा वो और दो लगाएंगे और पैसा आएगा और दो लगाएंगे और पैसा आएगा एक ट्रायंगल पिरामिड जो स्ट्रक्चर आता है वो पोंजी स्कीम कहलाता है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग दैट्स अ पोंजी स्कीम ओके ठीक है पोंजी वाज द नेम ऑफ द गाय जिसने पहली बार किया था उसके ऊपर ही नाम लग गया इसका पोंजी स्कीम अमेरिका में किसी ने किया था मल्टी लेवल मार्केटिंग भी यही चीज है दैट इज अ पोंजी स्कीम इसका ट्रेडिंग से कोई रिलेशन नहीं है बट यस इसमें लोग फंसते हैं क्यों सेम रीजन व्हाई लोग ट्रेडिंग में फंस जाते हैं इस 100 रुपए के कॉन्सेप्ट में The promise of quick and fast returns. They exist in life. ऐसा नहीं कहूँगा कि आप एक और बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकते बट वो आप कमाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यू बेटर ऑफ डूइंग द स्मार्ट थिंग्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मनी वर्क्स एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क वो कैसे लेना है उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे अंडरस्टैंड सबसे पहले पैसा कैसे काम करता है ये सोचो फिर ये देखो कि न्यू एज कौन से स्किल्स काम कर रहे हैं I'll give you examples. Trading is just one of them. Content creation, artificial intelligence, bro. अगर ये कोई वीडियो देख रहा है, AI सीखो. You're gonna be millionaire तो आप आराम से बन जाओगे.
आराम से बन जाओगे अगर आपने प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लिया। मैंने लिटरली कल एक चीज किया था, आई वर्क ऑन क्रिएटिंग एन AI बॉट जो कि पूरी दुनिया के सारे आर्टिकल से डेटा ले लेगा, उस डेटा पॉइंट्स को स्टडी करेगा, खुद में एनालाइज करेगा और आपको रिजल्ट देके ये बता देगा कि स्टॉक्स आपको बाई करना है कि नहीं करना है। ऑल डेटा, फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक का मैंने देखा, तो फाइनेंशियल डेटा क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें क्या क्या चल रही है, उस इनसाइडर ट्रेडिंग के बेसिस पे लोग क्या कह रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज क्या है, HDFC के फाइनेंशियल कैसे लग रहे हैं, सब कुछ कैलकुलेट करके इट विल गिव यू एन आउटपुट। इमेजिन द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी इट हैज ऐसा कुछ बॉट क्रिएट करने में। तो AI बहुत बहुत अच्छी चीज है, अभी वो सीख लो बहुत पैसा बन जाएगा। स्किल बिफोर AI, क्या ये चीजें प्रेडिक्ट करना पॉसिबल था कि ये स्टॉक्स इतने ऊपर जाएंगे, मार्केट अभी क्रैश होगी? यस, ये सब पॉसिबल। यू कांट टाइम द मार्केट कि अभी क्रैश होगी। सी, इट्स अबाउट बाइंग गुड कंपनीज एट गुड प्राइसेस, बस। ओके, दिस इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन टू लाइंस। ओके, बाय गुड कंपनीज, बाय देम एट गुड प्राइसेस। वॉरेन बफेट ने कहा था, इट इज बेटर टू बाय अ गुड कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ बैड कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। अच्छी कंपनीज लो अच्छे टाइम। तो अगर ये AI मेरे को 5 मिनट में जो डेटा दे रहा है ना, दिस डेटा अगर मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाऊं या फिर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास जाऊं, दे टेक आउट दिस डेटा इन 1 month। ओके, आई शो यू इफ आई हैव दैट डेटा। नहीं, इट्स इन माय PC। ओके, मैं भेज दूंगा वो, आई विल शो यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। इट्स क्रेजी, पूरा डेटा निकाल के अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, HDFC इज अ गुड टाइम टू बाय, HDFC में ये चीजें हैं, इवन दो ऐसा ऐसा चल रहा है, इसके इनसाइडर ट्रेडिंग और करंट LIC जो रिजल्ट्स आया सब कुछ मिला के उसने एक आउटपुट दे दिया। इट्स डिटेल्ड एज हेल, हर सोर्स से उसने लिया है, 10 साल का फाइनेंशियल डेटा स्टडी कर गया। ये तो खाली स्टॉक्स में है, यू कैन क्रिएट योर एंटायर AI टीम लाइक दिस। जिस टीम पे आपको हो सकता है महीने का लाखों खर्चा करना पड़े, वो यहाँ आपको 20,000 में काम हो जा रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड लेवरेजिंग। ये लेवरेज करना सीखना पड़ेगा आपको जिंदगी में, अगर पैसा बनना है जिंदगी में या फिर आगे बढ़ना है, तो यू हैव टू स्टार्ट लेवरेजिंग थिंग्स। जैसे लोन एक लेवरेज हो गया, आपने फ्यूचर से खुद को आज लेवरेज कर दिया, दैट्स हाउ यू हैव टू ग्रो। ओके, अभी आपने एक टर्म यूज किया, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो राकेश झुनझुनवाला जी जो है, उन पे एक्यूजेशन है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे, तो ये क्या सच है कि बिफोर 1992 या 2001 वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे, और इनसाइडर ट्रेडिंग होती क्या है इन द फर्स्ट प्लेस? देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग इज बेसिकली दिस, आपको पहले से डेटा पता है कि क्या होने वाला है, यू हैव एंटर्ड एट अ गुड प्राइस और जब मार्केट भाग गया तो आपने बेच दिया, पंप एंड डंप कैलकुलेशन के हिसाब से। फॉर पीपल हु डोंट नो, आप सिर्फ पंप एंड डंप नहीं कर सकते, आप ऊपर बेच सकते हो पहले से, इट्स कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। पहले ऊपर बेच सकते हो उधार लेके, एंड देन यू कैन बाय एट अ लोअर प्राइस टू मैच दैट एंड क्लोज दैट, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। सो क्या सिर्फ 1992 के पहले राकेश झुनझुनवाला करते थे? नहीं, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग इन द वर्ल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। आई एम प्रीटी श्योर आप जो स्टॉक्स में बात कर रहे हो, इवन द मोस्ट फेमस स्टॉक्स हैव इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, इट्स नॉट अ हिडन फैक्ट, एंड डोंट थिंक ऑफ इट कि यार ये बहुत ही खराब चीज है। हमारे लिए है, बट यार इमेजिन यू आर अ बिलियनर, यू आर गोइंग टू अ गोल्फ कोर्स, यू आर मीटिंग अनदर बिलियनर, ठीक है, उनमें आप बातें कर रहे हो, हाँ यार हमारा फाइनेंशियल ऐसा कुछ दिख रहा है, खत्म, आपने बाय कर लिया, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। Who will track it? Who will do anything? Now Rakesh Jhunjhunwala ji is a billionaire. Of course he'll hang out in good circles, na? And that's another aspect of being rich and earning money. Expand your network, make it better. Hang out with good people because zyada data ho, zyada knowledge ho. So hum baat kar rahe hain. You got some points from me, I got some points from you. I learn few things. Maybe your dad works in some XYZ company. Unhone bata diya, bro yaar acha aane wala hai. That is insider trading. ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इट्स जस्ट दैट उनके पास इतना पैसा है कि दे गेट टू बाय एट अ लोअर प्राइस, बट दे हैव वन एडिशनल थिंग, उनके पास थोड़ा एडिशनल पैसा है जिससे वो लोग मीडिया खरीद सकता है, एंड दैट इज वेयर रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड। आप और मैं तो खाली बाई करेंगे, वो लोग मीडिया में पहले से हवा फैला देंगे कि कंपनी डूब रही है, कंपनी ये हो रहा है, कंपनी वो हो रहा है, कंपनी ये हो रहा है, कंपनी नीचे गिरेगी, एंड देन दे बाय, देन इट पंप्स। क्या ये इलीगल है, क्या ये गलत है? यस। क्या कोई इन्हें रोक सकता है? नो। दैट्स हाउ वर्ल्ड वर्क्स, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। अडानी हिंडनबर्ग केस हुआ, क्या हुआ? ही गॉट अ क्लीन चिट। व्हाई भाई, एक मल्टी बिलियनर को ऐसे उखाड़ दोगे? ही इज बेसिकली रनिंग इंडिया इन अ वे, ही ओन्स स्पोर्ट्स, ही ओन्स डिफेंस, बहुत बड़ी चीज हो जाती है, आप नहीं हटा सकते अडानी को ऐसे। मीडिया हाउसेस,
ऐसा हो गया ना कि मैं ट्रेडिशनल मीडिया फॉलो नहीं करता, तो मुझे अभी आइडिया ही नहीं था कि कितनी बड़ी बड़ी इवेंट हो। जैसे राम मंदिर का जो इवेंट है मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ ग्रेट वन, बट जैसे मैं बाहर निकला पूरा सेलिब्रेशन चल रहा है, मैं पगला गया, ये क्या हो रहा है। एंड देन आई रियलाइज कि यार एक्चुअली ये ट्रेडिशनल मीडिया में अभी भी बहुत दम है। उसको जिसने ओन कर दिया वो जीत गया। आप सोचते होगे ना कि मीडिया ऐसे क्यों है, क्या है। आई टेल यू समथिंग अबाउट बीजेपी गवर्नमेंट ऑल्सो, नॉट टेलिंग अगेंस्ट और फॉर, आई एम टेलिंग ये सब फैक्ट सुनो, अंडरस्टैंड वॉट यू कैन डू। आई वेंट टू दिस प्रधानमंत्री जन योजना करके, वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन मिलती है, जो दवाइयाँ आपको बाहर महंगी मिलेंगी यहाँ पे सस्ते मिल जाती है। सो देयर वाज सर्टेन मेडिसिन जो सिर्फ यहीं पे मिलती थी सस्ते प्राइस पे, मैंने लिया। उस पर लिखा था नीचे बोल्ड लेटर्स में, प्रधानमंत्री योजना मतलब इंडिया के थ्रू मिल रहा है। उस पर लिखा था भारतीय जन और प्रधानमंत्री ऐसा कुछ, तो BJP बोल्ड, ओके समथिंग प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पे बीजेपी बोल्ड में। दिस इज मार्केटिंग। ये सब सटल चीजें नोटिस करना स्टार्ट करो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ मनी इज फ्लोइंग। ये क्यों कर रहे हैं वो, इलेक्शन टाइम इज नियर, इट्स जरूरी है कि उनको दिमाग पे इफेक्ट डालना है। एंड दैट इज हाउ बिग प्लेयर्स प्ले, बहुत सटल खेलते हैं और लॉन्ग टर्म खेलते हैं। सेम चीज मुकेश अंबानी वर्सेस अनिल अंबानी, सटल एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, जियो सस्ता 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 कर दिया, कॉम्पिटिशन झुक गया उनके सामने। दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले, कि आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंसान पे कैसे डाल सकते हो। लाइक पर्सनल ब्रांड, एंड्रू टेट, हर रील स्क्रॉल करो एंड्रू टेट आ रहा है। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता वो इंसान कैसा है, यू लव हिम, यू हेट हिम, विलिफाई हिम, यू कांट इग्नोर हिम। अब ये इंसान पैसा कमाएगा। ठीक है, पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं, you can love me, you can hate me, just remember there's no money in the middle, you have to do one or two things. Create either one of these brands. Apple ke lovers hain, Apple ke haters hain, Apple theek hai koi nahi bolta. This is where the money is. BJP ke lovers hain, BJP ke haters hain, idhar koi nahi hai. That is where the results are. So that is the kind of brand you need to create to make money. Similar with trading, I'll tell you with trading also. You have to fix to a strategy. You can either find an amazing strategy or you can find a horrible strategy. एवरेज स्ट्रेटजी में पैसा नहीं है, यू हैव टू फाइंड दिस, दैट्स द गेम। और बीजेपी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो अनबीटेबल है, बहुत तगड़ी। एंड इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन। क्यों नहीं करोगे, सोशल मीडिया आ रहा है, मॉडर्निज्म आ रही है, यू शुड बी हैप्पी कि भाई गवर्नमेंट भी इतना सोच रही है कि हम इतने तरीकों से करें। दैट मीन्स वो सिर्फ आपके लिए नहीं करेंगे, आपके देश को भी बाहर जाके वैसे प्रमोट करने वाले हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग, करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप दूर बैठ के उसको क्वेश्चन करो कि ये क्या हो रहा है, लर्न फ्रॉम इट एंड रेप्लिकेट इट। डोंट डू व्हाट रिच पीपल से, डू व्हाट रिच पीपल डू। एंड इट्स हार्ड टू लर्न व्हाट रिच पीपल डू, हाँ, इन अ वे, बट इट्स जस्ट अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन यार। अब बैठ के ऑब्जर्व करो ये लोग क्या कर रहे हैं, डू दैट। जिसके साथ आपको बनना है, जिससे आपको इंस्पिरेशन लगे, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या बोलता है, एकदम अच्छे रहो, नॉर्मल रहो, इन्वेस्ट इन ये स्टॉक्स वगैरह, कोविड बहुत खतरनाक है। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज बाइंग फार्मलैंड। व्हाट इज ज़करबर्ग डूइंग, ही इज बाइंग फार्मलैंड। फार्मलैंड मतलब खेती बाड़ी की जगह, क्यों ले रहे हैं ये लोग, सोचो ये। आप कमेंट्स में मेरे को बताओ कि क्यों ले सकते हैं लोग, व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली हैपनिंग। ये लॉन्ग प्ले है, क्योंकि अभी करेंसी बहुत परेशानी में है, चीजें डूब रही है। देयर इज वन थिंग दैट नॉट दैट डस नॉट गो एनीवेयर, वो है खाना। खाना सबको खाना है, व्हाई आर दे बाइंग फार्मलैंड्स, इतने अमीरों के लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज। ओके, थिंक ऑफ दैट। इंडिया में भी फार्मलैंड्स का बहुत अभी बिजनेस बढ़ रहा है। सो इफ यू वांट टू डू, इफ यू हैव द मनी, डू दैट। तो जिनके पास अभी जमीनें हैं वो वापस से अमीर होने वाले हैं, वो तो अमीर हैं ऑब्वियसली पहले से। वो लोग जो बनने वाले हैं ना, उसके लिए ये अमीर नहीं है। अब जो बनेंगे दे गोना बी मल्टी मिलियनेयर्स। ओके, व्हेन दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस, आई थिंक यूएस इलेक्शन में इसका हमें इंपैक्ट देख सकता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा तब ये इंपैक्ट आ सकता है। That's another deeper topic, but just this term याद रख लेना। Okay। Interest rate जब गिरेगा तब ये impact आ सकता है, बहुत भारी। 2008 से 72। Okay। सिद्धांत, let's pull out the big guns। अब हम आते हैं खटाक segment पे, जिसमें हम उन opinions में बात करेंगे जो आपके ऊपर या आपके industry के ऊपर throw किए जाते हैं by the people watching। तो उस पर आपको कटाक्ष करने। तो पहला question है कि हर्षद मेहता वॉज अ स्कैमर,
एवरीवन नोस, मतलब लोगों के ओपिनियन तो ये है कि हर्षद मेहता एक स्कैमर थे, बट ब्रोकर्स और ट्रेडर्स दे आइडलाइज हिम. तो इस पे आपके क्या कटाक्ष हैं? Why is he a scammer? Because कुछ पैसों का झोल करके. That's what I'm talking about. Like education system, you have been told he's a scammer, and he's a scammer. Well, did he do insider trading? Yes. क्या अभी हमने बात किया? कोई और नहीं करता, सब करते हैं. His mistake was he got caught in the middle of it all. He played with two big powers. जितने बड़े-बड़े powers का तो उन्होंने खेला, थोड़ा मुश्किल था उनके लिए. Now, was his impact really good for India? Yes. Because उनके चक्कर में ज्यादा लोग ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया. और ये जरूरी है इंडिया के लिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए स्टॉक मार्केट में निवेश करें. क्यों? अगर स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करेंगे तो मार्केट ऊपर कैसे बढ़ेगा? जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तभी तो देश आगे बढ़ता है. इट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर कंट्रीज इकोनॉमी. सो क्या वो इंसान एक स्कैमर है और इज ए मसीहा? दिस इज व्हाई पीपल सी मी एज अ मसीहा, बिकॉज उनकी वजह से स्टॉक मार्केट हैड एन इनसेनली गुड बुल रन. नाउ इफ इट डिड नॉट गेट कॉट, India would still be extremely high. क्या US bull run में नहीं है, bubble में नहीं है, बस India में हो गया तो गलत. Problem ये है ना, India में नीचे लाने वाले लोग बहुत. Now is he right or wrong? ये आपके debatable चीज़ है. ठीक है? Because ये अगर आप debate करने बैठ जाओगे, तब तो दुनिया में कोई भी right नहीं है. Who is right? Nobody. Zero people on earth are extremely right. But what he did was, he went to companies, he said कि यार आपका stock pump करा देंगे. ऐसा he was the only influencer back then. ठीक है, तो एक single influencer ने बोल रहा है ये खरीद लो, तो लोग खरीद रहे हैं. That's the only thing. Now did he use that for his advantage? Yes, everybody would do that. Did he use some things that were illegal? Yes, again all rich people do that. In fact your current government does illegal things. और वो कोई वही चीज है ना, आम आदमी के लेवल पे उसको दबा दिया था न्यूज़, बट एट दैट लेवल यू अंडरस्टैंड कि यार दिस इज हाउ द नॉर्मल वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज नॉर्मल प्ले ऑफ लाइफ. That's the thing. So my conclusion is he a scammer or not? Yes, because he got caught. चोर वही जो पकड़ा जाता है बस. तो क्या हर्षद मेहता इंडिया का ब्लैक रॉक बनने वाला था? नहीं, उतना स्ट्रेंथ कभी नहीं आता. He was very far away. ब्लैक रॉक दुनिया को कंट्रोल करता है, इंडिया का ब्लैक रॉक कुछ नहीं होता. ब्लैक रॉक इंडिया को भी कंट्रोल कर सकता है. Because I've heard कि उनके बहुत सारे कंपनीज में स्टेक्स थे, at least 20-25%. वो काफी कंपनीज में उनके स्टेक्स थे, तो आफ्टर अ पॉइंट इफ वो पकड़े नहीं जाते तो ही वुड हैव बिकम अ पर्सन जो सारी कंपनीज को ओन करता है. देखो पॉसिबल है ये चीज, लेकिन प्रोबेबल नहीं है. मतलब चांसेस इसके कम है, बिकॉज बैक देन आल्सो इंडिया उतनी स्ट्रांग सुपर पावर नहीं थी. ग्लोबली अगर इंडिया को आज देखोगे ना, तो इंडिया की आवाज है. उस टाइम पे नहीं थी, उस टाइम पे कोई भी आके दबा देता इंडिया को. अगर ये हिंडनबर्ग का केस लेट्स से 15 साल पहले होता, खत्म हो जाती इंडिया. बहुत बड़ा केस होता, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा डैमेज, हम रिकवरी नहीं कर पाते, तब मुश्किल हो जाता. सो आज का डेट है, देन यस पॉसिबल है, वी कुड हैव बिकम वेरी स्ट्रांग, बिकॉज इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है जो कि कोई और देश नहीं कर पा रहा है. नॉट यूके, नॉट यूएस, नॉट साउथ. सऊदी में लिकर लीगल हो गया है भाई. सऊदी जैसी कंट्री, एकदम टिपिकल विथ ऑल इस्लामिक वैल्यू, शरिया लॉ, वहां पे फॉरेन टूरिस्ट के लिए लेकर आ गया है. अभी रिसेंटली वो नहीं कर पा रहा है. इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट्स एक्चुअली डूइंग इट, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट इंडिया. बेस्ट टाइम टू बी इन इंडिया, बिकॉज अगर यहाँ पे करने लग गए ना चीजें, लेबर इज चीप, वर्क इज फास्टर, वर्क इज एफिशिएंट, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, स्टार्टअप बहुत अच्छा कल्चर है. अगर अमीर बनना है, इंडिया इज द प्लेस टू बिकम अमीर इन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स. इंडिया इज लाइक 1980s ऑफ अमेरिका. यू कैन be really 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 rich. मतलब एप्पल जब शुरू हुआ था ना, वो टाइम चल रहा है इंडिया में. और उस किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए एक इंसान को कि वो अगले 10 साल में एक मिलियनेयर या बिलियनेयर बन जाए? क्योंकि लास्ट डिकेड इट वाज क्रिप्टो, अभी क्या चल रहा है कि एक इंसान उसमें इन्वेस्ट करे और द नेक्स्ट डिकेड यू आर अ बिलियनेयर? देखो अगर तुमको स्कैमी आंसर चाहिए ना, तो भी इन्वेस्ट कर दो AI के स्टार्टअप्स. बट अगर रियल आंसर चाहिए, तो ओनली इन्वेस्टमेंट वन शुड मेक, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ. ओके, खुद में इन्वेस्ट करो, खुद की स्किल्स बढ़ाओ. मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्लो गेम है. लेकिन 2 साल के बाद जो इंसान बन जाओगे ना, यू कैन अर्न मिलियंस फ्रॉम एनीथिंग. आज मेरे को तुम जमीन पे फेंक दो, मेरी सारी आइडेंटिटी छीन लो, अलग देश में फेंक दो, आई विल स्टिल बिकम अ मिलियनेयर वंस अगेन विद इन 6 मंथ्स. कैसे? मुझे पता है तरीका.
कॉन्फिडेंस है, यही बोलते हैं, एक बार गिर जाओगे और उठ गए ना, उसका किसी का बाप तुमको रोक नहीं सकता, गिरना जरूरी है, गिरना जरूरी है. सो इन्वेस्ट इन दिस. अदरवाइज इफ यू वांट सेक्टर्स, देखो एनर्जी सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सुजलॉन एनर्जी करके एक स्टॉक है, चल रहा है, भाग रहा है, बट आई स्टिल थिंक एनर्जी में भी बहुत चेंजेस जरूरी है, बिकॉज सोलर पैनल्स में उतनी एफिशिएंसी नहीं है. एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना इनपुट आ रहा है उतना स्ट्रॉन्ग आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं. सो अभी देश को चलाने लायक एनर्जी उसमें है नहीं. इलॉन मस्क ने कहा है कि आप इतना बड़ा फार्मलैंड में लगा दो पूरा देश चल जाएगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. अगर स्नो आ गया तो देश बंद. ठीक है, देश के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल मेजर होता है डिफेंस, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं हो कुछ नहीं कर सकते. सेकेंड होता है एनर्जी सिक्योरिटी, अगर देश में एनर्जी नहीं डेवलप कैसे करेगा. तो ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया इन दोनों में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है. डिफेंस अभी थोड़ा सा शांत पड़ा हुआ है, मे बी विद इलेक्शन टाइम एंड ऑल दैट डिफेंस और थोड़ा हल्ला होगा मार्केटिंग, एंड एनर्जी विल ऑलवेज कीप ग्रोइंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी सेक्टर जो चलेगा भी बबल पे चलेगा, बिकॉज आईटी सेक्टर इज मेजरली स्क्रूड थ्रू आउट द ग्लोब बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस. बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, आई थिंक एनर्जी इज डिसेंट, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट बी गुड, लेकिन अगर यही अगेन क्रंच आया तो मुश्किल पड़ सकती है. आई वुड से दिस एंड ऑल्सो फार्मिंग मैन, एग्रीकल्चर. इंडिया स्टिल 60-70% डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. 70% मैन, इसको चेंज करना. तो एग्रीटेक, एग्रोटेक में अगर आप इन्वेस्ट कर पाओ उसमें स्कोप है. बट इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, नॉट इन द शेयर्स. इसका टेक में इन्वेस्टमेंट, इसमें इनोवेशन ले आओ, बहुत स्कोप है. जल्दी बजट आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है. या. तो दूसरा क्वेश्चन है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और बहुत लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग करते हैं और फिर लॉसेस झेलते हैं. तो क्या इन्फ्लुएंसर्स उस चीज के लिए आंसरेबल है? और आई डोंट थिंक ये इन्फ्लुएंसर्स सेबी से रजिस्टर्ड है, तो इस पे आपके क्या कटाक्ष है? एब्सोल्युटली आंसरेबल. आप स्कैम क्यों कर रहे हो सामने वाले को? व्हाई यू स्कैमिंग समबडी? 100 रुपए से पैसा नहीं बनता, नहीं बनता. क्यों स्कैम कर रहे हो? यू आर आंसरेबल, से द ट्रूथ ना. अब सच्चाई बताओ, जैसे मैंने जो चीजें बताई है, दैट्स द रियलिटी. अब क्या इससे लोग स्टॉक मार्केट से दूर भागेंगे? यस, भागो भाई. इतना भी आसान चीज नहीं है कि आप आ गए मुंह उठा के और पैसे बन जाएंगे. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत मुश्किल है यहाँ पे. तो यस, इन्फ्लुएंसर्स आर आंसरेबल फॉर प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बट दे आर नॉट आंसरेबल फॉर योर लॉसेस. आपने उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, प्लस अभी ये लोग डिस्क्लेमर देते हैं पहले कि दीज आर आवर ओपिनियंस बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, और लोग डिस्क्लेमर ऑब्वियसली नहीं पढ़ते. गलती किसकी? वो तो सी वही चीज है ना, लूपहोल है. बिल्कुल की बात नहीं यार, आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि इंटरनेट पे किसी ने कुछ बोल दिया और आप मान लिए? ऐसा मैं बोलूंगा, देखो आप यहाँ बिल्डिंग से कूद जाओ पंछी बन जाओगे, तो मेरी गलती है ऐसा बोलना, या फिर तुम्हारी गलती है तुमने ऐसी स्टुपिडिटी की? यू गॉट इनटू ग्रीड, इट्स द फॉल्ट ऑफ योर इमोशंस एंड दैट यू कुडंट कंट्रोल इट. लेकिन हाँ, इन्फ्लुएंसर को गलत नहीं बोलना चाहिए. अगेन सब में वापस बोल रहा हूँ, उसको गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे द फॉल्ट इज योर्स ओनली. और ये भी एक माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. स्टॉप एक्सटर्नलाइजिंग ब्लेम एंड स्टार्ट इंटरनलाइजिंग ब्लेम, एंड दैट्स वेयर ग्रोथ इज. जब आप खुद पे लोगे चीजें तो आप सीखोगे ना, क्योंकि आप बाहर वाले को ब्लेम कर रहे हो, कुछ नहीं सीखा, ये उसकी गलती है, मैंने कुछ नहीं. लेकिन जैसे आप खुद को ब्लेम करोगे, एक चीज आपने सीख लिया कि अगर किसी को ट्रस्ट करना है तो मुझे चीजें वेरीफाई करनी चाहिए. आपको अगर कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट नहीं करना है, डोंट वॉच वन यूट्यूबर ना, मल्टीपल लोगों से इन्फॉर्मेशन लो, इमीडिएटली दिमाग खुल जाएगा. दैट्स व्हाट आई वुड से. सो दे आर आंसरेबल. सेबी रजिस्टर्ड होना नहीं होना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिकॉज आई थिंक सेबी नीड्स टू कम अप विद अ सेपरेट एक्ट फॉर इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज सबके पास इतना टाइम नहीं है. सेबी एग्जामिनेशन, सेबी के ये सब प्रोसेस, इट इज वेरी आउटडेटेड. मॉडर्न करो उसको, दुनिया बहुत आगे निकल रही है. अगर मैं दुबई चले गया कुछ भी करूं, कोई मेरे को क्या कर लेगा? नथिंग यू कैन डू. I'm out of the land of India. सेबी का कोई jurisdiction ही नहीं आता उसमें. Max to max मुझे trade करने से रोक सकती है, उसके अलावा क्या करेगी? Influencers तो वैसे भी पैसे बना रहे हैं. वो बात है ना. तो आप ये हमारा भी समझो, in the sense viewers के मैं बता रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं जा रहा तुमको कुछ गलत बताने में, लेकिन तुम्हारा ही जा रहा है. So start understanding कि तुम्हारा benefit किस में है. You are benefited जब तुम खुद चीजों को वेरीफाई करो. खाली एक इंसान का बात पसंद आ गया, अरे हाँ ये तो भगवान, ऐसे नहीं. यू स्टार्ट वेरीफाइंग थिंग्स,
मेहनत वो नहीं करना चाहते लोग, दे वॉन्ट द इजी वे आउट. इसमें किसकी गलती है? बट लोगों के दिमाग में है ना कि अगर एक इंसान एक्सपीरियंस्ड है, सामने वाला बता रहा है तो सही बता रहा होगा, क्योंकि दे क्लेम कि पैसे कमाए हमने. तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर इफ़ आई एम फॉलोइंग यू और मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ और एक पॉइंट पे आपने मेरे को कोई गलत इन्फो दी और मेरा लॉस हुआ, तो दैट इज ऑब्वियसली मैं तो ब्लेम करूंगा आपको. यू शुड. मैंने गलत इन्फो दिया, लाइक आई टोल्ड, डोंट से रॉन्ग थिंग्स, से द राइट थिंग्स. अब स्कैम करो मत ना. वो तो नहीं करना है. इन्फ्लुएंसर गलत है, मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं करना है. लेकिन अगर कर भी रहे, गलती फिर भी तुम्हारी है. मैं तुम्हारे अकाउंट में आके बटन नहीं दबा रहा, यू आर द वन प्रेसिंग इट. बट अगेन, डोंट स्कैम, बट डोंट बी अ फूल ऑल्सो. ताली एक हाथ से नहीं बजती. टॉक्सिक गर्लफ्रेंड. तो तीसरा क्वेश्चन है कि जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, बहुत लोग टेलीग्राम चैनल्स चलाते हैं और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप ये स्टॉक्स बाय कर लो, आपका इसमें फायदा हो जाएगा. तो ये टेलीग्राम चैनल्स कितने सही हैं? और इस पे भी मैंने सुना है कि काफी लॉसेस होते हैं, लोग उस स्टॉक को बाय करते हैं, फिर जो ओनर होता है वो एग्जिट कर जाता है और फिर जो आपके ट्रेडर्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है. तो इस पे आपके क्या कटाक्ष है? सीधी सी बात है, मत करो. डोंट फॉलो अदर पीपल्स टिप्स फॉर स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग. इसका सिंपल रीजन है, इवन इफ वो करेक्ट बता रहा है, फॉर यू टू गेट रिजल्ट्स वो बहुत चैलेंजिंग है. क्यों? बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स होता है ना, वो तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं. नंबर वन इज द मार्केट कंडीशन इटसेल्फ, कि मार्केट किस कंडीशन में है. नंबर टू तुम्हारी स्किल लेवल, और नंबर थ्री तुम्हारा कैपिटल. ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है कि तुम कितना कमाने वाले हो. उस बंदे का सब अलग होने वाला, सबका सब अलग होने वाला है. बिकॉज कैपिटल पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना गवा सकते हो, गवाने का कितना तुम्हारे में वो है. मिडिल वाला चीज या स्किल लेवल, इस पर डिपेंड करेगा कि तुम एक्चुअली क्या सोच के एंटर कर रहे हो. उसका लॉजिक होगा कि यार मैं इसको यहाँ पे घुस रहा हूँ मार्केट में, ये प्राइस पे बाई कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है ऐसे इतना ऊपर चले जाएगा. उसने मान लो टारगेट दे दिया, उसने बोला 500 पे बाई करो, 520 पे बेच दो, लेकिन मार्केट 518 से पलट गया. एक बिगनर क्या सोचेगा, इसने तो 520 बोला. लेकिन फॉर मी अ प्रोफेशनल, इट्स ऑब्वियस कि यार 20 का मतलब ये नहीं कि 20, इट मीन 18 आल्सो. लेकिन वो कंडीशंस मैं देख सकता हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप सुन भी लोगे, सही भी हो जाएगा, फिर भी लॉस करोगे. नेवर डू टिप्स, इट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ ट्रेडर. नहीं कमा पाओगे, बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग टिप्स से कमाना, बहुत मुश्किल है. ठीक है. सो यस, टिप्स देना, उसके लिए यू नीड द लाइसेंस. अगर बिना लाइसेंस के दे रहे हो, इट इज इलीगल. इसलिए मैं एक भी टिप नहीं देता. बट अगर आप टिप लेके ट्रेड भी कर रहे हो, नो दैट एक ना एक दिन लगने के चांसेस ज्यादा ही है. दैट्स माय कटऑफ ऑन दैट. Okay. You have to be educated before you do trading or investing, basically. Yes, absolutely. Absolutely. Investing के लिए फिर भी मैं आपको basics बता सकता हूँ. If you want to invest in the stock market, the first investment you should do, अगर पैसा है extra, तो PPF, EPF ये सब में डालो. क्यों? Tax-free return, guaranteed return. Tax-free, man. Even the capital is tax-free, उससे जो return आएगा वो भी tax-free है. 1.5 लाख के limit है, पहला उसको भर दो. Next come to the stock market और अपना Nifty के ETF में लगा दो, exchange traded funds, जिसको हम कहते हैं index funds. उसमें लगा दो, सालाना return आएगा. These are the safe investments. अगर कोई beginner है जिसको कहीं investment करना है, this is it. Individual stocks और trading ये बाद में आता है. पहला safeguard capital करना यहाँ पे करो. 5,000 है, 5,000 लगाओ. फिर बाकी चीजें करो. फिर additional capital है which you can lose, then do these things. सबसे basic principles होते हैं, आप 6 महीने का emergency fund लगाओ, फिर यहाँ invest करो, and then your third place comes trading. Because अब क्या है, अब डर चला गया ना, अरे कुछ हुआ तो पैसे हैं मेरे पास. लेकिन किसके पास पूरी, उसकी पूरी नेटवर्थ ही 4,000 रुपए है, तो क्या होगा? You're scared. You can't trade when you're scared. You have to be rich and you have to be knowledgeable. Rich, you have to be comfortable. With losing money. That is what I would say. Comfortable insan kab hoga jab uske paas paise honge. You don't have to be rich for that. Matlab, basically ek reliable source of income hona chahiye jisse aap loss incur kar sako. Correct. That's true. Matlab mera aisa ho gaya tha ki jis din se mere paas 50 lakh aa gaye account mein, us din se maine paise ke bare mein tension lena chhod diya. That is how it was. But I wouldn't say ki aapko utna kamane ki zarurat hai. If you have, let's say 2-3 lakhs, होना चाहिए. यू नीड टू हैव दैट मनी, तभी तो आप थोड़ा गवा सकते हो. अगर 10 बार लॉस भी कर लेते हो, उसको होल्ड कर सकते हो.
थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया आपने अपने पीपीएफ में, थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया आपने एसआईपीज में, देन यू नो कि चलो ठीक है यार कुछ भी होगा मेरा ये सेफ तो चलते जा रहा है ना, एक सोर्स ऑफ इनकम तो आते जा रहा है ना, दैट्स व्हेन यू कैन बी अ बेटर ट्रेडर, ये कहूंगा मैं। सो विद दिस वी एंड द कटाक्ष सेगमेंट। सो मेरा एक पर्सनल सवाल है कि रिसेशन क्या होता है और रिसेशन में जॉब्स कहाँ चली जाती है और आईटी सेक्टर क्यों सबसे ज्यादा सफर करता है? देखो इकोनॉमी को अगर बढ़ना है तो कैसे बढ़ेगा? नॉर्मली इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? चीजें महंगी होना। महंगी कैसे होती है? हमने क्या डिस्कस किया था? लोन्स। लोन से क्या होता है? सबकी जेबों में पैसा आता है। जब लोन ज्यादा होगा तो ज्यादा लोगों के जेब में ज्यादा पैसा आएगा। अब ज्यादा पैसा आएगा तो आप ज्यादा खर्चा भी करोगे, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी इज फाइनेंशियली स्मार्ट। मोस्ट पीपल को अगर पैसा दे दोगे क्या करेंगे? खर्चा। खर्चा करेंगे, दुकानदार क्या करेंगे? चीजों के दाम बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। हाँ। सीधी सी बात है। एंड व्हेन दे इंक्रीज द प्राइसेस इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। नॉर्मली चीजों की प्राइस बढ़ती है, सिंपली सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। और जब ये प्रॉब्लम, जब लोन्स नहीं मिलते हैं तब लोगों के पास पैसा कम आता है। क्यों ऐसे लोन्स नहीं मिलते हैं? बिकॉज जब इन्फ्लेशन होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि इतना इन्फ्लेशन ना हो, चीजें इतनी महंगी ना हो, तो वो क्या करते हैं? लोन्स महंगे कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। रिमेंबर आई सेड जब इंटरेस्ट रेट कटेगा तब गिरेगा। अभी क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। मतलब फॉर यू टू गेट सम मनी समबडी हैज टू टेक अ लोन। किससे लेंगे? किसी बैंक से लेंगे। फॉर बैंक टू गेट दैट मनी दे हैव टू टेक इट फ्रॉम द फेडरल रिजर्व इन यूएस, और इंडिया में आरबीआई से लेना पड़ता है, बिकॉज़ ओनली दे हैव द राइट टू प्रिंट मनी। प्रिंट क्या होता है? जस्ट दैट, दैट्स प्रिंटिंग ऑफ मनी। इट्स नॉट एक्चुअली प्रिंटिंग प्रेस में जाना। ये दिमाग से हटा दो, लोग सोचते प्रिंटिंग मतलब प्रिंटिंग प्रेस। तो वो जिस रेट पे देंगे आपको पैसा उसको कहते हैं रेपो रेट। तो वो मान लो अगर 5% है तो 5% पे तो बैंक को मिल रहा है, तो तुमको आगे कितने रेट पे देगा? 10% 15%। बहुत महंगा लोन होता है, इस रेट पे दे रहा है तो लोग कम लेंगे ना यार, इतना महंगा लोन मेरे को नहीं लेना। सस्ता है, ज्यादा लोग ले रहे हैं, ज्यादा पैसा आ रहा है, ग्रीडी हो रहा है, चीजें महंगी हो रही है। लोन महंगा हो गया, कम लोग ले रहे हैं, कम खर्चा हो रहा है, चीजें फिर भी महंगी है, लेकिन लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। और इस स्टेट में एक लैंड या फिर एक कंट्री चल जाती है इन स्टेट ऑफ रिसेशन। ओके, बिकॉज लोग खर्चा नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बैक टू बैक 2 quarters ऑफ GDP फॉलिंग, that is known as a state of recession. Official definition इसका ये है, जो कि हो चुका है US में, but उसको अभी उन्होंने deny कर दिया। क्यों कर दिया यार? Government है, कुछ भी कर सकती है, like we spoke about. So this is a state of recession, जब ज़्यादा production नहीं हो रहा है, चीज़ों के कम production हो रहे हैं, and people are not able to live the life to the fullest, ज़्यादा growth नहीं हो रही economy, that's when you go to a recession stage. तो इसमें IT क्यों suffer करता है? देखो life में कुछ essential goods होते हैं। Essentials क्या? खाना पीना हो गया, that's essential. IT is non-essential. That is why IT is the first to suffer. Because सबसे ज़्यादा पैसा किसमें आता है? IT में आता है पहले। क्यों IT में ज़्यादा आता है? Because it's the fastest growing sector. But it is a service sector. It is not necessary. कुछ चीजों की IT necessary है, but not जैसे ये necessary नहीं कि Samsung में updates आते हैं। Not a necessary thing. तो उसका job पहले जाएगा। ये जरूरी नहीं कि games बनते रहें, उसका job पहले जाएगा। This is IT. जब लोगों के पास कम पैसा है खर्च करने के लिए, वो किस पे खर्चा करेंगे? खाने पीने पे खर्चा करेंगे ना। अब जब वो खाने पीने पे खर्चा करेंगे तो कौन कमाएगा? खाने पीने वाले, जो खाने पीना बनाते हैं। कौन बना रहा है? फार्मलैंड्स। फार्मलैंड्स, नाउ यू सी व्हाई दे आर बाइंग फार्मलैंड्स। ओके, यूएस इन दिस स्टेट ऑलरेडी, लेकिन यूएस से भी बदतर स्टेट में। यूएस इज नॉट जस्ट इन अ रिसेशन, ओके, इट्स आल्सो इन अ स्टेट ऑफ स्टैगफ्लेशन। US ऑफिशियली रिसेशन में नहीं, अभी इन्फ्लेशनरी पीरियड ही उसका चल रहा है। मतलब चीजें महंगी भी हो रही है, लेकिन अब स्टैग्नेशन भी आ गया। क्योंकि जब चीजें महंगी होती है, दैट मींस क्या? दैट मींस ग्रोथ हो रही है नेचुरली। चीजें महंगी हो रही है बिकॉज लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, और जब चीजें नहीं बिक रही है उसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन, ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन दीज टू आर अपोजिट्स, साथ में हो गए यार, ये कैसे हुए? बिकॉज ड्यूरिंग कोविड हाउसिंग क्राइसिस 2008 की अगर बात करनी है तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कोविड की बात करते हैं रिसेंट। कोविड से बहुत इकोनॉमी रुक गई थी यूएस की, वहां पे स्टैग्नेशन आ गया। स्टैग्नेशन आ गया मतलब इकोनॉमी बढ़ी नहीं थी, कोई खर्चा ही नहीं करना चाह रहा था, सब डरे हुए थे। ये डर खत्म करने के लिए सबको $1400 का स्टिमुलस चेक्स दिया गया। मतलब ये लो 1400, खर्चा करो। व्हाट वुड अ स्मार्ट पर्सन डू, व्हाट वुड अ रिच पर्सन डू? वो इन्वेस्ट करेगा या सेव करेगा? जिसके पास एक्सेस है वो ये कर देगा, लेकिन जिसके पास ज्यादा चीजें हैं नहीं, जिसके पास पैसा भी कम है, वो खर्चा करेगा।
अब जब चीजें जो ज्यादा खर्चा करते हैं, सडनली तुम्हारे पास तुम्हारी इंटायर नेटवर्थ है जिंदगी की 50,000 रुपए, तुम्हारे पास सडनली 2,00,000 रुपए आ गए, खर्चा कर दोगे ना, आईफोन ले लोगे तो कर दोगे. दिस इज व्हाट, दिस इज द मिस्टेक दे मेड. ओके, इतने स्टिमुलस चेक्स, फ्री में पैसा, इकोनॉमी पंप हो गई, थिन एयर से पैसा बना, पंप हो गई, चीजें महंगी हो गई, लेकिन इनका पैसा खत्म. नाउ स्टैग्नेशन भी है, अब इनके पास पैसा तो बचा नहीं इकोनॉमी ग्रो करने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन भी वहां बढ़ते जा रहा है. दैट इज वेयर वी आर इन अ स्टेट ऑफ स्टैग्नेशन. अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका क्या है, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओ ताकि लोग कम लोन लें. ओके, और कम पैसा डाले इकोनॉमी, उससे इन्फ्लेशन कम होगा. कैसे? बिकॉज कम खर्चा चीजें सस्ती हो जाएगी. नहीं भाई, लोग खरीद नहीं रहे, हम सस्ती करते हैं. समझ में आ रहा है? लेकिन स्टैग्नेशन को खत्म करने का क्या तरीका? और पैसा दो, और पैसा करो. दोनों ऑपोजिट्स हैं. दिस इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी राइट नाउ वी आर इन. इट इज द मोस्ट डेंजरस. इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक, रिसेशन से भी ज्यादा खतरनाक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन का कॉम्बिनेशन, स्टैगफ्लेशन. ओके, दिस इज द स्टेट वी आर इन इन अमेरिका. एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही इंटरेस्ट रेट गिरेगा, हिस्टोरिकली नोटिस करना, जब ये इंटरेस्ट रेट पीक्स होते हैं, मार्केट चढ़ता है, ऑल टाइम हाई मारता है. 2008 में भी यही हुआ था, कोविड में भी यही हुआ था. जैसे पहला रेट कट आता है, बूम, गॉन. अभी नाइफ निफ्टी में वापस 15,000 लेवल देखने को मिल सकता है, इफ दिस कट हैपेंस एंड द इंपैक्ट इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स सपोज्ड टू हैपन. इट्स रियली बैड. तो क्योंकि जॉब तो चली गई है लोगों की, या और जॉब कभी भी जा सकती हैं जो हैं, तो क्या ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम है? इन्वेस्टिंग को आप कह सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, ट्रेडिंग नो, इट्स नॉट रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम इफ इट्स योर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम. ओके, बट ट्रेडिंग इज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम इफ दिस इज योर नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम. बिकॉज बहुत आसान तरीके हैं कि आप ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमा सकते हो. समथिंग लाइक ऑप्शन सेलिंग, अगर आपने एक स्किल लेवल, सर्टन लेवल मैच कर लिया, तो आप बहुत आसानी से एक एक बटन दबाओगे, आप बस सो जाओ, पैसा आपका आते रहेगा. दैट्स हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क्स. उसमें डीके होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, आपको गारंटीड पैसा बढ़ते रहेगा. Almost guaranteed if you analyze it right. That's how option selling works. So yes, trading हो सकता है, लेकिन ये चैन से छोड़ने की skill आप में आनी चाहिए. That's the thing. So इसमें तभी आओ again when you have money. लेकिन at this stage, when market falls, trading से better earning source पूरी दुनिया में कुछ नहीं है. Because like I said, सिर्फ चढ़ते market में नहीं, गिरते market में भी कमा सकते हो. And एक गिरता हुआ market is the best times to earn as a trader, because market बहुत जल्दी करता है, बहुत पैसा आप छाप सकते हो, बहुत ज़्यादा. एक ट्रेडर का सपना होता है गिरता हुआ मार्केट. यस, सो यही कहूँगा इसके बारे में. सो इसमें कमाने मतलब अगर चढ़ रहा है, सो 1% 2% चढ़ेगा, ठीक है. एंड विथ लेवरेज, मतलब आप हायर परसेंटेज ले सकते हो, तो आप 200% 400% भी कमा सकते हो इफ यू आर डूइंग इट राइट. गिरता हुआ मार्केट 4% गिरता है, 5% गिरता है, 10% भी गिर जाता है, बहुत गिरता है, बहुत एक्सपोनेंशियली तेज से गिरता है. बिकॉज दिस इज ग्रीड, ग्रीड स्लो चढ़ता है, लेकिन दूसरा इज फियर. बस ग्रीड और फियर का बैलेंस होता है, फियर जल्दी आता है लोगों में. ओके, यप. तो इतनी सारी बातों के बाद व्हाट आई थिंक इज दैट द होल वर्ल्ड इज ट्रैप्ड इन अ रैट रेस. यस, कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, कई कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो. दिस इज व्हाट इज मैट्रिक्स. यस, तो कोई रोड मैप है कि आप मैट्रिक्स से निकल सको अकॉर्डिंग टू यू, एंड व्हाट हैव यू फॉलोड? सबसे पहले चैन, भूख, नींद, प्यास सब भूल जाओ. शाहरुख खान से सब भूल जाओ अगर सक्सेसफुल बनना है तो. यू कैन नॉट बी हैविंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ, नहीं होगा. अगर ये सब चाहिए, डोंट थिंक अबाउट एस्केपिंग द मैट्रिक्स. बट इट्स सिली टू मी. मैट्रिक्स में रहना मतलब क्या? यू डोंट गेट टू डू थिंग्स एट योर ओन टाइम, यू डोंट गेट टू फॉलो योर ड्रीम्स. आप खुद के टाइम पे वेकेशन पे नहीं जा सकते, आप जो मन में है वो बोल नहीं सकते. अगर यहाँ वॉर हो गया इंडिया में गलती से, अब देश को छोड़ के निकल नहीं सकते, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम सबसे पहले तुम ही फंसने वाले हो. दिस इज द मैट्रिक्स. तुम चूहे जैसे एक ही रेस में भाग रहे हो एंड यू आर स्टक देयर. दैट्स द मैट्रिक्स. उससे निकलना है तो फर्स्ट स्टार्ट एनालाइजिंग कि क्या चल रहा है, तुम कहाँ फंसे हुए हो. स्टार्ट यूजिंग मनी टू मेक मोर मनी. इसको लेवरेज करना सीखो. लेवरेज में, लेवर जो एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब है आप एक एफर्ट डाल रहे हो, उसमें रिवॉर्ड ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है. अगर आपको भारी पत्थर उठाना है ना, आप हाथ से नहीं उठा सकते, उसको एक पुली डालते हो, पुली में यहाँ पत्थर रहता है, यहाँ से प्रेशर डालोगे उठ जाता है. दैट इज यूजिंग लेवरेज. तो स्टार्ट लेवरेजिंग मनी टू मेक मोर मनी. ट्रेडिंग एक सोर्स है लेवरेज करने का.
और सोचिए इन्वेस्ट इन एआई कंपनी जैसे मैंने बोला, और सोचिए ड्रॉप शिपिंग हो गया, और सोचिए कंटेंट क्रिएशन हो गया. यू हैव टू बी आउट देयर मैन. इतने सारे तरीके आ गए आजकल कमाने के. यू कैन बिल्ड योर ओन स्टार्टअप्स, यू कैन बिल्ड योर ओन सर्विस कंपनीज. आप खुद का कैफे डाल सकते हो, बट कैफे इज अ वेरी हार्ड बिजनेस टू रन, प्लस मार्जिन उतने अच्छे नहीं है. आई वुड से इफ यू वॉन्ट आज के डेट पे बेस्ट मार्जिन, इट्स रनिंग एन ऑनलाइन सर्विस बिजनेस. इट हैज द बेस्ट एग्जिट. For example, अगर सही में पैसा कमाना है, you need to exit a business as a rich guy. That has to be the mindset. ठीक है? आप इसको along with your job भी कर सकते हो, in fact करना भी चाहिए. नहीं तो आप आगे जाकर regret करोगे. Midlife crisis इसलिए आती है लोगों की ज़िंदगी में. कुछ नहीं कर पाते. So the exit I'll explain it to you. अगर आप एक normal clothing company का exit कर रहे हो, you'll get a 1x, 2x multiple. यानी कि आपकी company अगर 1 लाख रुपए कमा रही है, तो आपको उसके 2 लाख मिल जाएंगे maximum. ठीक है? और अगर 50 लाख कमा रही है, तो आपको उसका हो सकता है 50 लाख ही उसको दे दे या फिर कम दे. कोई और कंपनी हो गई, मैक्स 3x लेवल ये मिल जाएगा मल्टीपल. एक सॉफ्टवेयर कंपनी का 5 से 50x का आपको मल्टीपल मिलता है, बिकॉज दैट कैन रन ऑन ऑटोमेशन. अगर आपने ऐसा कुछ बिल्ड कर दिया, 5 to 50x रिटर्न मल्टीपल, यू जस्ट नीड 83 कस्टमर्स टू पे यू अराउंड $1,000 टू एग्जिट एज अ मिलियनेयर. जस्ट 83? यस. Wow. That's the game. So understand this game. एक service business लो, उसका exit निकालो. और ये आसान नहीं है. Of course not आसान. लेकिन ये आप सीख सकते हैं. बहुत scope है. India में बोल रहा हूँ, बहुत 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 scope है अभी. कोई कुछ penetration ही नहीं है किसी चीज़ का. Stock का भी penetration नहीं है. Podcast का penetration नहीं है. Nothing has any good penetration yet यार. आप कुछ अलग करो, you will win. बहुत virality है अभी India में. Mass बहुत ज़्यादा है. सब उठ रहे हैं, सब जग रहे हैं. Start doing something. But starting में भूल जाओगे, result आएंगे. Forget the result, start getting into something. इसमें कैसे जाना है? You have the best free resource, YouTube. You have my channel. मेरे literally एक video बनाई है, how to gain trading capital from zero. उसमें मैं 5 से 6 तरीके बताए हैं, how to earn from zero, nothing. समझाया भी है कैसे आप कमा सकते हो from zero. वो जाकर देखो. कोई स्किल्स पसंद आ रहे हैं, उसके बारे में वीडियो देखो, उसको फॉलो करो, कर लो. ईजिएस्ट वे. आउटडोर करना है तो लेवरेज कम हो जाएगा. ये वाला करना है, लेवरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा है. लेकिन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एज वेल. इज वेल सेड. तो वी आर लिविंग इन अ क्रेजी जनरेशन, जिसको सब कुछ सीखना है, सब कुछ करना है. तो जिसको इकोनॉमिक्स और ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये जो चीज़ें सीखनी है, तो फ्रॉम द एक्सपर्ट हिमसेल्फ, क्या रोड मैप हो सकता है? देखो, फॉर द रोड मैप आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑन द चैनल, ताकि आप वीडियो फॉर्मेट में सीख सको. इट्स अ बिगनर प्लेलिस्ट, फ्री में देखो. अदरवाइज अगर आपको जानना है, फर्स्ट लर्न अगेन स्टॉक्स कैसे आते हैं मार्केट में, देन यू गो टू द नेक्स्ट लेयर्स एंड अंडरस्टैंड कि स्टॉक में जो ट्रेडिंग हो रही है, इसके पीछे का मतलब क्या है, क्यों हो रही है ये, जो बाइंग सेलिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, जो चीज़ें बन रही है चार्ट पे, वॉट इज दैट. अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ, अगर स्टॉक मार्केट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है लेकिन लाना है, अगर आप स्टॉक मार्केट सीख गए, पढ़ना चीज़ों को, इट इज लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, लेकिन पैटर्न वाला लैंग्वेज, सिंपलर लैंग्वेज. ये लैंग्वेज सीख गए, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. बिकॉज न्यूज आने से पहले, दुनिया में किसी को भी पता चलने से पहले, आपको चार्ट पे दिख जाता है कि क्या होने वाला है. मतलब HDFC जो न्यूज बाद में आया, हम ट्रेडर्स को या एक एनालिस्ट को पहले से पता था कि इसमें क्या होने वाला है. व्हाई? बिकॉज पैटर्न्स, मैंने बोला पैटर्न्स रिपीट होती है. ये पैटर्न पहली बार नहीं बन रहा है, सालों से बनता आ रहा है. इट्स लाइक मैं बता रहा हूँ कि ये फोन है, दैट मींस व्हाट, दिस इज अ फोन. इट्स अ पैटर्न ऑफ वर्ड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. इसी तरह कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स बनेंगी ना, तो ये चीज होती है. क्यों होती है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. बिकॉज अ कैंडल इज फॉर्म बेस्ड ऑन समबडी बाइंग, समबडी सेलिंग. ये कौन है? इंसान है. इंसान चलते हैं इमोशंस पे. अभी कंप्यूटर्स आ गए हैं, 90% एल्गोरिथम्स. एल्गोरिथम्स किसने डिजाइन किए हैं? इंसानों ने. इंसान किस पे चलते हैं? इमोशंस. इमोशंस डू नॉट चेंज. आज से 200 साल पहले भी जमीन के लिए लड़ाई होती थी, आज भी जमीन के लिए लड़ाई होती है. आज से 200 साल पहले जब एम्स्टरडैम में स्टॉक मार्केट आया था, 150 हो गया होगा, जब एम्स्टरडैम में स्टॉक मार्केट इन्वेंट हुआ था, तब भी सेम फॉर्मेट था. ग्रीड में मार्केट चढ़ता है और फियर में मार्केट गिरता है. बस इस ग्रीड और फियर के बैलेंस को हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज स्टॉक मार्केट. वो चीज का आपको सामने कैंडल पर दिख जाता है. इट इज दैट इजी. बट स्किल्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. बिना नॉलेज के कुछ नहीं होने वाला. वैसे भी इट्स लाइक स्विमिंग मैन. कितना भी वीडियो देख लो तैरने का, तैर नहीं पाओगे. एक बार कूदो और एक बार सीख लिया स्विमिंग, तो जिंदगी भर नहीं कूद सकते. ट्रेडिंग वैसी स्किल. एनी वेयर
एनी टाइम डूइंग व्हाटएवर जस्ट अ लैपटॉप एंड अ वाईफाई दैट्स इट. एक स्किल के बाद यू डोंट इवन नीड अ लैपटॉप, मैं यहां बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकता हूं एंड आई कैन अर्न मनी. दिस इज द रियल फ्रीडम एनीवेयर एनी टाइम. अब तो क्रिप्टो भी आ गया, क्रिप्टो में तो यू कैन लिटरली डू इट फ्रॉम एनीवेयर, एनी बैंक अकाउंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दैट्स अ रियल फ्रीडम. वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सिद्धांत, बहुत मजा आया आपसे बात करके और आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा क्योंकि इतनी बातें आउट हो गया. या नो तो उसको कट कट कर आराम से. तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड इट वाज ग्रेट प्लेजर हैविंग यू. मोस्ट वेलकम शुभम. और जैसे स्विमिंग की बात कर रहे थे सिद्धांत, सब लोग स्विम करो और बताओ कि कैसे लगे आज के कटाक्ष. थैंक यू. थैंक यू. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष, उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष. हमारे साथ कटाक्ष करना मत भूलो. You know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूं अंग्रेज नहीं. ए, अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या.